गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आ जाओ आ जाओ जल्दी। होश नहीं हो। चलिए आइए, तब तक मैं सर को कॉल कर लेता हूँ। सर अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, तब तो कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए। हेलो हेलो, बस कर लिया ऑलमोस्ट। हाँ हेलो, अरे आवाज आ रही है ना आप लोग को? जो भी डाउट है, जो भी डाउट है पूछो, नहीं तो फिर स्टार्ट करें। नहीं है? चलो मुझे ये बताओ जरा, क्रिस्कल और प्रिंस एल्गोरिथम दोनों की दोनों क्लियर थी ना? क्रिस्टल क्लियर? अरे यार क्लास शुरू हुई फिर, देखो शांत। अरे क्रिस्कल और प्रिंस क्लियर थी? यस चलो देखो एकदम से, हेडिंग हेडिंग डालिए, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, हेडिंग शायद से मैंने कल ही डलवा दी थी। चलिए सर। यस देखिए हमारा गोल क्या है इधर पे। देखिए इधर पे क्या होगा, सोर्स हमारा सिंगल होगा, कह सकता हूं जो हमें गिवन ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा। क्योंकि देखिए ना से, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एमएसटी भी तो वही हमारा दे 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 देगा शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ रहा है? चलिए, डायरेक्टेड ग्राफ है मतलब जहां पे डायरेक्शन है आप उधर ही पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एस से हम V1 पे जा सकते हैं, जबकि हम V1 से एस पे नहीं जा सकते। तो देखिए एकदम से, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है सोर्स से हमें हर वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा। समझ में आ रहा है ना? इनफॉर्मली समझा रहा हूँ। हेलो चलो देखो एकदम से, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ देता हूँ आपको। एक सेकंड की है। हाँ देखिए, ए बी सी डी ई एफ, सर एडिंग क्या थी? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। हेलो
बना लो जल्दी से बना लो। डन? यस सर डन। चलिए अब देखिए रिदम से। सबसे पहले तो ये समझिए, इस ग्राफ को साइड में रखिए, अभी अलग से समझिए ना, कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, जैसे कि देखिए ना, इसका मतलब क्या है, ए से बी कॉस्ट इज व्हाट 10, बी से सी कॉस्ट इज व्हाट 30 और सी से बी कॉस्ट इज व्हाट -20। जैसे कि मुझे ये बताइए ना, प्रैक्टिकली क्या नेगेटिव एज वेट्स होते हैं? नो। बोलो जल्दी से, सब लोग बोलो। नो सर। नो सर। पाप, प्रैक्टिकली भी नेगेटिव एज वेट होते हैं। और देखो ध्यान से, आज के 3 साल पहले तक तो मुझे एक दूसरे एग्जांपल से समझाना पड़ता था, लेकिन अब तो इतना परफेक्ट एग्जांपल है उसका। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल सुनिए ध्यान से, किसी स्टूडेंट को पकड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो किसका माइक वर्क कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट अपना नाम बोलो जिसका माइक वर्क कर रहा हो। यस सर जानवी। चलो नाउ सपोज जानवी अपने घर से कॉलेज जाती थी, ठीक है, घर से कॉलेज जाती थी तो इस पाथ के थ्रू जाती थी, उसकी कॉस्ट आती थी ₹50, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, जानवी देखती है कि एक नया पाथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके घर से कॉलेज जाने के लिए एक नया पाथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत सुंदर सा पाथ है, और उधर पे बोर्ड पे मेंशन भी है कि अगर आप इस पाथ से जाते हो तो आपको ₹100 मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जानवी, आप कहां से जाओगे? हेलो यस। अरे कहां से जाओगे आप सर? जो नया पाथ बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उधर ही से जाएगा। तो अब सुनिए ध्यान से, जानवी जाती है इधर से जाती है, तो जब वो रास्ते में जा रही होती है, रास्ते में एक बहुत सुंदर सा नया शॉपिंग मॉल बना होता है, ठीक है। तो वो इतना सुंदर शॉपिंग मॉल होता है कि जानवी सोचती है कॉलेज तो डेली जाती हूँ, पढ़ाई तो होती रहेगी, तो चलो एक बार मॉल भी देख ही आती हूँ। वो मॉल में जाती है, हैप्पीली 10,000 स्पेंड करती है और घर पे वापस आ जाती है और बोलती है, वाओ हुर्रे, आज मुझे 100 रुपीस का फायदा हुआ। डियर है, अरे डियर, ये डिस्काउंट वगैरह होते क्या है? ये नेगेटिव एजवेट ही तो होते हैं। अब देखो रहता से सुनिए ना से, प्रैक्टिकली नेगेटिव एजवेट होते हैं। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं जो आपकी डे टू डे लाइफ में बिलोंग ही कर रहा होगा। आप में से कितने लोग जियो की सिम यूज करते हैं? नहीं करता। यस सर। मैं तो करता हूं। हो कि नहीं? तो अब yes, sir. देखो, क्या जियो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नो सर। लेकिन जब आया था तब फ्री ऑफ कॉस्ट था कि नहीं था? यस सर। तो मुझे ये बताओ, क्या लगता है आपको, जब वो जियो फ्री ऑफ कॉस्ट था तो क्या अंबानी को उसकी कॉस्ट नहीं आती होगी? ऑब्वियसली उसके लिए तो सरचार्ज आता ही होगा। यस सर। लेकिन वो उसकी इन्वेस्टमेंट थी ताकि फ्यूचर में आप लोग से हैंडसम रिटर्न ले सके। क्लियर है? Yes, sir. तो प्रैक्टिकली भी नेगेटिव एजवेट्स बोलो होते हैं। क्लियर गाइस? यस सर। चलो अब देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको ग्राफ दे दिया। ग्राफ क्या होता है? हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मैंने आपको ये पूरा एक ही ग्राफ है, मैंने आपको ग्राफ दे दिया, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है, विद दीस एजवेट्स। अब मैंने आपसे बोला कि लेट सपोज सोर्सेस ए, सोर्स अगर हमारा ए है तो ए से हर एक वर्टेक्स की कॉस्ट क्या होगी? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, क्लियर है ना? हर एक वर्टेक्स की शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या होगी? क्लियर है? हर एक वर्टेक्स की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? तो सबसे पहले तो ध्यान से ये समझो जरा, सपोज मैंने आपसे बोला सबसे पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी, क्लियर है? यस सर। मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी। अब ध्यान से सुनिएगा, दो वर्टेक्स के बीच में मिनिमम कॉस्ट अगर है इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है सर? डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है। दोनों वर्टेसेस क्या है हमारी? डिस्कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहां से यूएस की बाय रोड कॉस्ट क्या होगी? इनफाइनाइट।
नाउ अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि दो वर्टेक्स हैं, दो वर्टेक्स हैं, उनकी उनकी कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स सी टू वर्टेक्स डी माइनस इनफिनिट, ऐसा हो सकता है? जल्दी बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, नो सर, नहीं हो सकता। पाप, चलो सी और डी अगर एक ही पॉइंट पे हो तो, अरे तो माइनस इनफिनिट कैसे हो जाएगी? शर्म नहीं आई तब जीरो नहीं होगी? हो जाएगी सर। अरे सुनो ध्यान से, आप जहाँ खड़े हो उधरी पे खड़े रहने की कॉस्ट क्या होगी? जीरो, जीरो होगी। Okay. अभी मैं बताता हूँ ताकि अच्छे से शर्म आ पाए। देखो जैसे मैंने इनिशियली ग्राफ किया, मान लिया डिस्कनेक्टेड, मान लिया मतलब सबकी कॉस्ट क्या है? इनफाइनाइट। क्लियर? यस सर। मैंने बोल दिया सोर्सेस ए। अब देखो जैसे मैंने सोर्स ए बोला, यानी कि ए टू ए मिनिमम कॉस्ट क्या हो गई? जीरो, जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा, ए टू बी कॉस्ट इज 10, इज 10 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। यस, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो गई ए से बी की? 10 हो गई। क्लियर है? A to A to B cost is 20. Is 20 less than infinite? Yes sir. तो D की cost क्या हो गई? 20 हो गई। ध्यान से देखना, single source shortest path है, और मैंने आपको source बोल दिया, source ये given होगा आपको, मैंने source बोल दिया कि source हमारा A है, तो हमें A से हर vertex की minimum cost निकालनी है। Question clear है? Yes sir. चलो देखो ध्यान से। Now अब देखिए ध्यान से, A to B cost हमारी 10 थी, अब मैंने पूछा C की cost क्या होगी? B से C की cost है 30, मतलब B तक आने की cost कितनी? 10 प्लस 30, और समझ में आ रहा है? यस सर। अरे बी तक आने की कॉस्ट 10, अब बी से 30 और, यानी कि 10 प्लस 30 40, इज 40 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। यस, तो कॉस्ट क्या हो गई? 40, 40 हो गई। अब ध्यान से देखो, सी से अगर आप बी पे जाते हो तो -20 है, तो 40 -20, 20 इज 20 लेस देन 10। क्या कर रहा हूं? नहीं होता। नो सर। तो कोई अपडेशन नहीं, कोई अपडेशन नहीं। नाउ 40 प्लस 50 90, is 90 less than infinite? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Now ध्यान से देखो, इधर की थी 20, 20 plus 40, 60, is 60 less than infinite? Yes sir. Yes, sir. So 60, देखो ध्यान से, 60 plus 40, 100, is 100 less than 90? No, कोई अपडेशन नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, E से अगर हम B पे आए, 60 minus 50, 10, is 10 less than 20? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो कॉस्ट क्या हो गई? 10। फिर ध्यान से देखिए, 10 प्लस 40, 50, इज 50 लेस देन 60? यस सर। कॉस्ट क्या हो गई? अब ध्यान से देखिए, 50 माइनस 50, 0, 0 इज लेस देन 10 और नॉट? यस सर। 0 हो गई। 0 प्लस 40, 40 इज 40 लेस देन 50 और नॉट? यस, 40 हो गई। ध्यान से देखो, अगर इधर से आप F पे जाते, 40 प्लस 40, 80, इज 80 लेस देन 90 और नॉट? यस सर। कहने का मतलब है, एंड सो ऑन, ये माइनस इनफाइनाइट अप्रोच करता, ये भी माइनस इनफाइनाइट अप्रोच करता, ये भी माइनस इनफाइनाइट अप्रोच करता। कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, जानवी है, 20 रुपीस उसको लगे डी पे आने के लिए, फिर वो ई पे जाती है तो 40 और लगते हैं, लेकिन ई से डी पे वापस आती है तो 10 रुपीस का इफेक्टिवली उसे फायदा होता है, 50 रुपीस उसे मिलते हैं। यस सर। ध्यान से देखो, जानवी ऐसे ही घूमती रहेगी? आई नहीं रहा है समझ में? यस सर। क्लियर है? Yes, कहने का मतलब है, माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये नेगेटिव एज वेट साइकिल है कि नहीं? यस सर। नेगेटिव एज वेट साइकिल क्या होती है? किसी भी साइकिल में अगर सारी एज वेट का समेशन लेस देन जीरो हो गया तो नेगेटिव एज वेट साइकिल है, मतलब आप परमानेंट yes, उसी सर्किल में घूमते रहोगे क्योंकि परमानेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है। यस सर। अब देखिए ध्यान से, अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट हमारी माइनस इनफाइनाइट चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, F, F हमारा नेगेटिव एज वेट साइकिल का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेगेटिव एज वेट साइकिल का इसके ऊपर? यस सर। जब E की परमानेंट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो सिमिलरली F की भी परमानेंट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, G, H, I, J, इनकी कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, क्यों? A से ये सारी सारी नॉन रीचेबल है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, ये कोई कॉस्ट होती है क्या? अरे इनफाइनाइट कोई कॉस्ट होती है क्या? नो सर। इनफाइनाइट एक अजम्पशन होता है कि बहुत ह्यूज वैल्यू, नो सर, ठीक है, कोई कॉस्ट तो होती नहीं है। तो कह सकता हूं कि ग्राफ में हम हमेशा दो वर्टिसेस के बीच में मिनिमम कॉस्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हो सकता है ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, हो सकता है ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, हो सकता है कुछ वर्टिसेस पार्टिसिपेट कर रही हो नेगेटिव एज वेट साइकिल में। Yes,
क्लियर है? यस सर। लिखिए पहले इसकी मीनिंग लिखिए। मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी इज इनफाइनाइट मींस ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। क्या बोला था? मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी इज इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है? ये कब होगी? व्हेन ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। व्हेन ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। हेलो। यस सर। लिखा? यस सर लिख ली। चलो अब देखो रिजन से, इसका मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू डी इज माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन नेगेटिव एज वेट साइकिल। अरे लिख ली। यस सर। मींस सी एंड डी आर इन्वॉल्वड इन नेगेटिव एज वेट साइकिल। कहने का मतलब इसका मतलब क्या है? या तो सी एंड डी नेगेटिव एज वेट साइकिल का पार्ट है या फिर नेगेटिव एज वेट साइकिल का इंपैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। क्लियर है? यस सर। देख लो जल्दी से। यस सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट लिखिए। इफ द सम ऑफ ऑल एज वेट्स, इफ द सम ऑफ ऑल एज वेट्स इज लेस देन जीरो इन ए साइकिल, इफ द सम ऑफ ऑल एज वेट्स इज लेस देन जीरो, इफ द सम ऑफ ऑल एज वेट्स इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो in a cycle, then negative edge weight cycle, otherwise positive edge weight cycle. लिखिया? यस सर। कर दूंगा अब सब कुछ? यस सर। चलिए, अरे जो मैंने बोला है ये ग्राफ समझाते समय वो सुना है ना ध्यान से? यस सर। चलो देखो ध्यान से। नाउ सबसे पहले तो एक इनफॉर्मल नोट लिख लो जल्दी से। डायस्ट्रास एंड प्रिम्स आर ऑलमोस्ट सेम। डायस्ट्रास एंड प्रिम्स आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे मैंने कल बताया था ये प्रिम क्लियर है तो डायस्ट्रा में 15 मिनट में रैप कर दूंगा। Are almost same. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कि सुनिए ना सी, अब कल मैंने ये पॉइंट नहीं लिखवाया था लेकिन अब लिखवा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको प्रिम में लिखवा रहा था बार बार ए मिनिमम, ठीक है? तो मैं उसको क्या बोल रहा था? मिनिमम कॉस्ट, ए मिनिमम की मीनिंग क्या थी? मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स ए फ्रॉम इट्स पेरेंट। हेलो, अरे यही था। अब देखिए यहाँ पे ए मिनिमम की मीनिंग क्या हो जाएगी? मिनिमम कॉस्ट, देखो उधर पे मिनिमम की, ए मिनिमम की मीनिंग क्या थी? प्रिम में एक बार लिख लेना, कोई भी ले लेना, ए मिनिमम बी मिनिमम कुछ भी। मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स ए फ्रॉम इट्स पेरेंट। अरे इस टाइप का करते थे आप कि ए मिनिमम लिखा आपने लेट्स सपोज 20, ठीक है, ए पेरेंट लिखा आपने सपोज सी, तो इसका मतलब क्या होता था? मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स ए इज 20 फ्रॉम सी। याद आ रहा है? यस सर। कल ये जल्दी से लिख लो। ए मिनिमम मींस मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड, ये प्रिम में लिखना, प्रिम में।
minimum cost required to reach vertex A. Minimum cost A minimum means minimum cost required to reach vertex A from its parent. Likha? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, इधर पे ए मिनिमम की मीनिंग क्या होगी, इधर पे ए मिनिमम की मीनिंग क्या होगी, देखिए ध्यान से, ये हम एप्लीकेशन क्या पढ़े, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सोर्स तो हमारा क्या है, सिंगल है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ए मिनिमम की मीनिंग क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स ए फ्रॉम सोर्स लिख लीजिए, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स ए from source लिखा, लिखा, yes sir, no, अभी क्यों और सुनिए ध्यान से, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कर क्या रहे थे, मैं प्रिम की बात करता हूं, आप मिनी प्री कर्सर करते थे ऑन वर्टिसेस, फिर क्या करते थे, चूज एनी वर्टेक्स, उसकी कॉस्ट क्या कर देते थे, जीरो मतलब डिक्रीज की ऑपरेशन कर देते थे, फिर आप क्या करते थे, डिलीट करते थे और उसके एडजेसेंट पे डिक्रीज की ऑपरेशन करते थे। क्या बोला था मैंने उसको, टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला रिलैक्सेशन एट ए, एट ए, इसकी मीनिंग क्या होती है, जल्दी से लिखिए, रिलैक्सेशन एट ए मींस डिलीट ए एंड डू डिक्रीज की ऑपरेशन, डिलीट ए एंड डू डिक्रीज की ऑपरेशन, delete A and do decrease key operation on adjacent of A, and do decrease key operation on adjacent of A. नहीं आ रहा समझ में, हेलो, अरे आ गए, ये क्लियर है, यस सर, रिलैक्सेशन एट ए का मतलब क्या हो गया, डिलीट एंड डू डिक्रीज की ऑपरेशन ऑन एडजेसेंट ऑफ ए। ध्यान से देखो, जब आप डिलीट करते थे तो आप दो काम करते थे, एक बार तो एक काम तो डिलीट करने का हो गया, दूसरा उसके सारे सारे एडजेसेंट पे आप डिक्रीज की ऑपरेशन करते थे। यस सर, आप लोगों को आवाज सही आ रही है अभी? यस सर, यस सर। चलो तो देखो ध्यान से, नाउ अब हेडिंग डाल लो जरा, डायस्टास एल्गोरिथम, अब हेडिंग डाल लो डायस्टास एल्गोरिथम। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए अगर मैं ग्रीडी एप्लीकेशन की बात करूं, तो एप्लीकेशन क्या है हमारी, एल्गोरिथम क्या है हमारी, डायस्टास। सबसे पहले तो ग्राफ बना लिए, और ग्राफ डायस्टास एल्गोरिथम हेडिंग डाल लो, सबसे पहले तो ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, आप भी बनाओ सिंसियरली।
कोई बची क्या सर? C2D डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड 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 यहाँ पे ग्राफ हमेशा हमारा क्या होगा डायरेक्टेड सबकी मार्किंग कर दी ना मैंने लग तो रहा है यस सर हो गई सर तो मैंने बोल दिया कि सोर्स क्या है हमारा ए है सोर्स आपको हमेशा गिवन होगा तो ए टू ए मैन्युअली अगर मुझे डायरेक्शन नहीं आती है तो ए टू ए टू बी ए टू सी ए टू डी ए टू ई ए टू एफ मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या होगी मैन्युअली का मतलब क्या है अरे जो नॉर्मल पर्सन करेगा देख के बता देगा यस सर पहले सब कुछ लिखते चले जाओ जो बता बना रहा हूँ वो कंप्लीट कर लो ये क्वांटिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए जैसी हो जाए मुझे बताना हो गया सर ये मैन्युअली निकाली सबकी कॉस्ट हेलो चलो देखो रतन से अभी तो मैं डेक्स्ट्रा की बात ही नहीं करता हूँ मैन्युअली मैन्युअली ए टू ए मिनिमम कॉस्ट जल्दी जल्दी बताओ जरा क्या होगी ए टू ए जीरो ए टू बी ट्वेंटी ट्वेंटी ए टू सी सिक्सटी तो क्या कर रहे हो ए टू बी ट्वेंटी फिर इधर से इधर आगे थर्टी टेन और थर्टी अरे मैन्युअली भी गलत बता रहे हो ये समझ में आ रहा है यस सर आ गया लो ए टू डी A to D 23 A to B 20 फिर 3 more फिर A to E 22 very good A to B 20 फिर 2 और A to F 24 अरे 22 20 और फिर 2 इधर से direct sorry hello yes अरे B से F directly चले जाओगे अरे हमारा goal क्या है minimum cost होनी चाहिए हेलो यस सर चलो तो कहने का मतलब मैन्युअली जो आंसर आ रहा है ये तो 100% करेक्ट है यानी हमारा आंसर यही आना चाहिए डेक्सा से आंसर यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यस सर चलो देखो रेगुलर तो ये लिख लिया ना मैन्युअली सबने ये रब कर दूं यस सर नो सर क्या कर रहे हो इतना टाइम दे दिया लिखो जल्दी से Yes, हो गया यस सर चलो तो मैंने कुछ क्या जरा
जल्दी से कल जैसा आप लोग भी टेबल बना लो, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस सर। चलो जल्दी से क्वांटिटी वाला पार्ट कर लो। हो गया? यस सर। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा रुकिए, एक सेकंड जल्दी से बना लीजिए जरा, एक सेकंड में आया। हाँ जी, हो गया ना सबका? यस सर। चलो अब देखो, एकदम से जैसे कि मैंने बोला था कि प्रिम और डेक्स्टर एकदम सेम है, बस ध्यान से देखो, बस यहाँ पे जो ए मिनिमम है उसकी मीनिंग चेंज हो गई है। कोई भी मिनिमम, एफ मिनिमम है उसकी मीनिंग अब इधर पे क्या हो गई है, उधर पे प्रिम में उसकी मीनिंग क्या थी, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स एफ फ्रॉम इट्स पेरेंट। इधर पे मीनिंग क्या हो गई है, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स एफ फ्रॉम सोर्स। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फ्रॉम सोर्स, सोर्स क्या है हमारा, ए है। ए है, क्लियर? तो दिख रहा है। चलो देखो, अब मैं कर रहा हूँ इसको ब्लैक मार्कर से ही कर देता हूँ, ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से, तो ए टू ए हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली सबकी कॉस्ट इनफाइनाइट मान ली, ग्राफ डिस्कनेक्टेड मान लिया, कोई इशू? नो सर। ठीक है, अब जो सोर्स है उसकी कॉस्ट हमारी जीरो हो जाएगी, कोई इशू? नो सर। हमने मिनी पी कंस्ट्रक्ट किया ऑन वर्टिसेस सेम लाइक फ्रेम्स, कोई इशू? नो सर। चलो अब मैंने डिलीट किया, कौन हो गया, ए आ गया। मतलब इसको हमने टेक्निकली क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन एट ए, मतलब डिलीट ए एंड डू डिक्रीज की ऑपरेशन ऑन एडजेसेंट ऑफ ए। तो देखो एकदम से, ए से बी कॉस्ट इज 20, इज 20 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, 20 फ्रॉम ए, क्लियर है? यस सर। चलो ए से डी कॉस्ट इज 30, इज 30 लेस देन इनफाइनाइट? यस, 30 फ्रॉम ए। A से F cost is 40, is 40 less than infinite? Yes, 40 from A. A से E cost is 50, is 50 less than infinite? Yes, 50 from A.
ACC cost is 60, 60 less than infinite, yes, 60 from A, कोई doubt? बोलो जल्दी से. No sir. No sir. जल्दी से उठा के अपडेट कर दो. As it is उठा के मैंने अपडेट कर दी. कहाँ है? अरे 50. यानी कि A डिलीट हो गया कि नहीं हो गया? फिर हमने डिलीट ऑपरेशन लगाया. कौन डिलीट होगा? जो मिनिमम होगा. कौन मिनिमम है? बी मिनिमम है. बोलो. यस सर. अब देखिए ध्यान से. अब ध्यान से देखना. अब बस इंपॉर्टेंट चीज अभी स्टार्ट हुई है. बी से डी कॉस्ट इज 3, लेकिन बी तक आने की कॉस्ट कितनी थी? 20. तो 20 प्लस 3 23. बोलो. यस सर. तो 23 इज लेस देन 30 और नॉट? यस सर. 23 पेरेंट इज बी. क्यों हम आ कहां से रहे हैं? बी पे आ रहे हैं. और 23 का मतलब क्या है? डी मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच वर्टेक्स डी फ्रॉम सोर्स यानी कि ए. यानी ए से डी की कॉस्ट क्या है? 23. जबकि डी का पेरेंट का क्या है? बी. मतलब हम बी से डी पे आए हैं. क्लियर है? यस सर. चलो देखो ध्यान से. बी से एफ अप टू बी कॉस्ट इज 22 और लग गई. 22 इज लेस देन 40 और नॉट? यस सर. 22 फ्रॉम बी. नाउ बी से ई 2 cost or 20 plus 2, 22 is 22 less than 50, yes. Now, dekho dhyan se, B say C cost is 10, 20 plus 10, 30 is 30 less than 60, yes. Yes, sir. 30 from B. Koi doubt? No, sir. Jaldi se value update kar do. C ki cost kya gayi? 30 from B. B ki cost kya gayi? Hamari 23 from B. E की कॉस्ट क्या आ गई हमारी? 22 फ्रॉम B. एंड F की कॉस्ट क्या आ गई? 22 फ्रॉम B. जल्दी से बनाओ इतना. अब ध्यान से देखो. अच्छा एक साथ बना लेना. मुझे ये बताइए अब डिलीट कौन होगा? 22 कौन सा 22? जो भी आपको अच्छा लगे. क्लियर है ना? यस सर. अब देखो ध्यान से. अब हमारा कौन डिलीट हुआ? E डिलीट हुआ. E डिलीट हुआ तो देखिए बस एक ही जगह जा रहे हैं हम इधर से. 22 प्लस 1 23 इज 23 लेस देन 22. नो, कोई अपडेशन नहीं. ऊपर भी जा रहे हैं 22 प्लस 1 23 इज 23 लेस देन 23. नो, कोई अपडेशन नहीं. यानी सब कुछ एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया? यस सर. चलो अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा? यही है 22 और ये है क्या हमारा? F. F आ गया. F डिलीट हुआ. यहां से तो हम कहीं जा ही नहीं रहे. यानी कि एज इट इज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. Now, फिर नेक्स्ट मिनिमम क्या है? ये डी. डी आ गया तो डी से अब ये डी आ गया. डी से क्या हम सी पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं. तो केवल यही आ गया. ये फालतू क्वेश्चन बन गया. यस सर. जल्दी से बना लो. हो गया. हो गया? यस सर. चलो अब देखो रे तंति. अगर मैं जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट बनाने का एडवांटेज क्या है, मैं इधर से ही बिना कुछ देखे ट्री बना सकता हूँ. बताओ किसको पकड़ लूँ? जल्दी से बोलो. कोई भी. बी. बी. बी पकड़ लिया मैंने. देखो ध्यान से. बी. बी कहाँ से आया है हमारा? पेरेंट इज ए, कॉस्ट इज 20. तो देखो ध्यान से. सबसे पहले ए. बी कहाँ से आया हमारा? ए से आया. कॉस्ट इज 20. क्लियर है? तो बी तक आने की कॉस्ट कितनी हो गई? 20 हो गई. हाँ अब नेक्स्ट बताओ किसको पकड़ लूँ? जल्दी से बोलो. अरे कुछ भी बोलो. बी. डी. 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 डी पकड़ लिया. कहाँ से आया हम? कॉस्ट इज 23, पेरेंट इज बी. ध्यान से सुनना. कॉस्ट 23 सोर्स से होगी. सोर्स हमारा गिवन है ए.
क्लियर है ना, ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है, ये कहां से है कॉस्ट? फ्रॉम मी सोर्स, क्लियर है ना, फ्रॉम सोर्स। यस सर। तो डी क्या है, डी हमारा कहां से आया, बी से आया, कॉस्ट इज 23। देखो ध्यान से, कॉस्ट इज 23, बी तक आने की कॉस्ट थी 20, तो यहां तक आने की कॉस्ट 3 और, तभी तो कॉस्ट हुई 23। क्लियर? तो बताओ जल्दी से किसको पकड़नी, ई को, ई पकड़ लिया। देखो ध्यान से, ई कहां से आया, हम कॉस्ट इज 22, पेरेंट इज बी, कॉस्ट इज 22, पेरेंट इज बी। देखिए ध्यान से, बी तक की कॉस्ट 20 थी, तो 2 इधर की हो गई, 22 इधर की हो गई। नेक्स्ट बोलो जल्दी से, सी। अरे कोई भी बोलो, इसमें सोच कर रहे हो, गलत थोड़ी ना हो जाएगा। 30, cos is 30, parent is b, तो हम b से आए हैं, c तक आ जाएगा, अगर ये 20 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या, f cos is 22, parent is b, parent is b, 2 हो जाएगी, cos 2, तो ये हुई 22। One, a, cost is 0, parent is a, parent is null. Clear? Yes, sir. बना लो जल्दी से। तो दिख रहा है ना, सेम है, बस इधर पे एक एडिशन होता है। अरे उधर पे आप क्या करते थे, केवल और केवल एज का देखते थे, इधर पे आप सोर्स से लेके उधर तक की पूरी कॉस्ट देखते हो। यस सर। जल्दी से बना लो। पहले तो ये बताओ, ये ग्राफ रब कर दूं? यस सर। हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग गया हमारा, थीटा ऑफ बी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिक्रीज की ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ लॉग बी, लॉग बी, ठीक है। फिर ये डिलीशन लॉग बी, ये डिलीशन लॉग बी, ये डिलीशन लॉग बी, कितनी बार लॉग बी, बी लॉग बी, लॉग बी। अब ध्यान से देखिए, इधर पे हमने क्या किया, v माइनस 1 टाइम्स log v, डिक्रीज की ऑपरेशन, उसके एडजेसेंट पे, वर्स्ट केस में ग्राफ हमारा कंप्लीट होगा। यस सर। फिर v माइनस 2 log v एंड सो ऑन, 1 log v यानी सम ऑफ v माइनस 1 नेचुरल नंबर सम log v यानी v स्क्वायर log v, और डिक्रीज की ऑपरेशन हो किस वजह से रहा है, एजेस की वजह से रहा है, तो e log v। क्लियर? तो कैसे ओवरऑल, ओवरऑल हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, बी प्लस बी लॉग बी प्लस ई लॉग बी। बी प्लस बी लॉग बी प्लस ई लॉग बी। अब बी प्लस बी लॉग बी कौन है, ग्रेटर, बी लॉग बी, तो कह सकता हूँ बी लॉग बी प्लस ई लॉग बी, और बी लॉग बी प्लस ई लॉग बी कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई log b, log b। यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ b प्लस e log b कौन कौन आएगा, जो ग्रेटर होगा वो आएगा, लेकिन अगर ग्राफ कनेक्टेड है, इफ ग्राफ इज कनेक्टेड, अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो हमारा e मिनिमम कितना होगा, मिनिमम एजेस की, तो e आएगा b माइनस 1, e मैक्सिमम कितनी होगी, b माइनस 1, b स्क्वायर। कह सकता हूं, कह सकता हूं इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, हमारा e होगा, तो ऑर्डर ऑफ होगा ई लॉग बी। और ये कैसे, जो आपको कल बताया था, यूजिंग बाइनरी मिनी, आप अभी अगर नहीं भी बोलते तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन इसको बोलना, बोलने की प्रैक्टिस अभी से कर दो, क्योंकि जैसे ही हम मास्टर्स में जाओगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
क्यों, ये कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ यस सर वी लॉग वी यूजिंग फिबोनाची में नहीं, फिबोनाची में नहीं, ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई यूजिंग यूजिंग बाइनोमियल में नहीं एंड ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर यूजिंग अरे मना ली जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, कर लोगी ये सब? हेलो, कुछ नहीं करना है, बस एल्गोरिथम ही लगाने की प्रैक्टिस है वो। यस सर। अरे यस सर का मतलब बता तो दो, अरे आगे बढ़े। यस सर, बना लो जल्दी से, हो गया? यस सर, बनाओ बनाओ। हो गया? यस सर। नूरब? यस सर। अब जल्दी से बताओ, चल रहा है ना आके काम सब कुछ? यस सर। हाँ तो यूज कर सकते हो, लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग ग्राफ, कंसीडर दी फॉलोइंग ग्राफ applied Dijkstra's algorithm, applied Dijkstra's algorithm with source A, with source A. इस बार मैन्युअली किसी का आंसर गलत आया ना, फिर देखना। अरे मैनुअली पता है ना, इंसान बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी करेक्ट आंसर देगा, और आप लोग मैनुअली गलत दे देते हो। जैसे बन जाए बताना मुझे, मैनुअली आंसर निकाल के रखो फिर बताना मुझे। Thank you.
हो गया? यस सर। चलो जल्दी से बताओ जरा, ए टू ए मिनिमम कॉस्ट मैनुअली जीरो 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 जीरो। ये जिसने भी आंसर भेजा है मुझे जल्दी से बताओ ये एम कौन है। बेटा मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मुझे ये इस टाइप की चीजें पसंद ही नहीं है। देखो ध्यान से आपने आंसर भेजा वेरी नाइस, और देखो ध्यान से, चलो अगर अभी तक आपने अपनी आईडी में अपना नाम एम कर रखा है तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। देखो मेरी तो कल क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीजें जल्दी से जल्दी रिमूव कर लो आप जितने भी लोग आप लोग हो। देखो ध्यान से केवल दो क्लास बची है, दो क्लास में एल्गोरिथम तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें आप लोगों को कम से कम बता दूं जो आप अपने साथ गलत कर रहे हो कंसिस्टेंट मैनर में। क्योंकि अरे माधवी मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा था, चलो मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसे समझो मैं उधर ऐप पे भी क्लास ले रहा था, उधर पे भी बहुत सारे जितने भी न्यू यूजर है, अब देखो जितने भी मेरे, अच्छा उधर पे तो आपको नाम ही नहीं शो होती है, ठीक है, आपको मेरा एक सिंगल स्टूडेंट नहीं मिलेगा ना जिसकी आईडी इस टाइप की कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ना कि एक्स वाई जी एंड सो ऑन। पता उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मुझे, अरे आप एक्स वाई जी रखो कुछ भी रखो मुझे उससे क्या इशू होगा, मुझे सिर्फ इशू इससे है कि आप लोग अपने साथ जो भी पर्सन ऐसा करता है ना वो अपने साथ एक चीज गलत कर रहा है, उसको वो चीज रियलाइज भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें अगर चीजें रियलाइज ना हो, देखो एक चीज समझो, जो भी चीज गलत है अगर आपको वो रियलाइज हो जाएगी तो आप उसे छोड़ दोगे नहीं छोड़ दोगे? Yes, sir. छोड़ देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो चीज अच्छी है आपको रियलाइज हो जाएगी, आप जल्दी से जल्दी उसको अपने अंदर लेके आओगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू किस चीज का होता है? वो चीजें जो आपको रियलाइज ही ना हो। अगर आप कोई एक गलत काम कर रहे हो आपको रियलाइज ना हो, कोई सही काम कर रहे हो आपको रियलाइज ना हो, क्योंकि अगर आपको, आप सही भी काम कर रहे हो आपको रियलाइजेशन नहीं है, तो आप उस काम को और एक्सट्रीम वे पे लेके जाओगे कि हर जगह वही करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे अभी भी नहीं समझ रहे हो माधवी, मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ डियर, मेरी केवल ये सेकंड लास्ट क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा बता दूं जिससे फ्यूचर में आपकी, आपको, आपके लोगों के लिए चीजें सिंपल होने लगे। देखो एक चीज बता रहा हूँ, आप देखोगे, आप बहुत सारे ऑब्वियसली बातें यूट्यूब वगैरह सभी देखते होगे, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कोई भी वीडियो देखोगे तो आप देखोगे बहुत अलग अलग आईडी से, अलग अलग नाम से इंसान आईडी बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है? Yes, sir. अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी को अपने नाम पे शर्म आती है क्या आप में से? No, sir. अब बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान अपना नाम कहीं भी किसी भी आईडी में हाइड करता है ना, तो अब देखो ध्यान से इशू क्या आता है, वो हाइड करे ना करे कोई इशू नहीं, इशू क्या आता है इसका मतलब क्या है, उसे अपना नाम शो करने में, बताना मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसे अपना नाम शो करने में किसी ना किसी चीज का 0.1% कुछ ना कुछ डर लग रहा है, बोलो? यस सर, लग तो रहा है सर उसको। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो ध्यान से उसका इंपैक्ट क्या आएगा, मैं वो बता रहा हूँ। देखो ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा इशू ही है, इससे इशू क्या आएगा, वो बंदा अपने साथ, वो बंदा या बंदी अपने साथ गलत कर रहा है, कैसे गलत कर रहा है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक दो बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर सालों किसी की ये हैबिट बन गई ना तो होगा क्या, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही चला जाएगा, क्योंकि वो जो काम भी करता है जो कुछ भी बोलता है वो एक फेक आईडी से बोल रहा है। इसके बाद होगा क्या, फ्रंट पे जब वो सामने आएगा ना उसको बोलने में वो फंबल करेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो ऐसा जो भी करता है ना वो अपने साथ गलत करता है। अगर आप लार्ज ड्यूरेशन की बात करोगे तो एक टाइम के बाद 5 से 6 साल के बाद आप देखोगे कि वो पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट आपको दिखाई देगा। तो ये वो बेसिक डेली लाइफ की चीजें हैं जिससे मैंने आपको कितनी बार बताया कि डे टू डे लाइफ में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमारा माइंड शार्प करती है, हमारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें करते हैं जो हमारी माइंड को वीक बनाती है और हमारी पर्सनैलिटी को और गंदा करती है। क्लियर है ना? तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है किसी भी चीज की, कि पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेके आओ, नेगेटिविटी को दूर करो, ठीक है ना? चलो जल्दी जल्दी बोलो जरा, ए टू ए मिनिमम कॉस्ट इज व्हाट? और देखो ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है आप लोग मेरे सामने नहीं हो, मैं किसी भी अगर एक पर्सन की बात कर रहा हूँ तो इतने दिन हो गए अभी तक तो समझ जाओ मुझे, मैं कभी भी उस एक पर्सन की बात ही नहीं करता हूँ, मैं जो भी चीजें बोलता हूँ जर्नलाइज्ड बोलता हूँ। अगर मैं एक पर्सन की बात करूंगा तो ऑब्वियसली उससे पर्सनली बात नहीं कर लूंगा,
और सच्ची लगता है आप लोगों को मेरे पास इतना टाइम कि एक एक करके एक एक पर्सन को गाइड करता रहूं बैठ के मैं? नो सर, नो सर। देखो ध्यान से, हाँ, ए टू ए मिनिमम कॉस्ट जीरो, जीरो। ए टू बी मिनिमम कॉस्ट टेन, टेन। मिनिमम कॉस्ट इज टेन, वेरी गुड। ए टू सी मिनिमम कॉस्ट माइनस 38, माइनस 38, माइनस 38, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्यों? देखो ध्यान से, ए से सी पे अगर हम इधर से आते तो कॉस्ट क्या होती हमारी 50 होती, जबकि अगर हम इधर से आते तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती? माइनस 38, माइनस 38। क्लियर है ना? नाउ लेकिन अगर हम यहां से हम बी पे जाते तो कॉस्ट होती 10, जबकि अगर हम इधर से जाते तो 50 और 40, 50 और 110 हो जाती कि नहीं हो जाती? यस सर, यस सर। कॉस्ट ए टू डी माइनस 34, माइनस 34, माइनस 34, वेरी वेरी गुड। क्लियर ना सबको? यस सर, यस सर। तो देखो ध्यान से, मैन्युअली आंसर ये आ रहा है, ये आंसर 100% करेक्ट है कि नहीं? यस सर, यस सर। यानी कि अगर डायक्स्टा एल्गोरिथम करेक्टली वर्क करेगी तो आंसर उसका भी यही होना चाहिए? यस सर। नाउ अब अप्लाई करिए डायक्स्टा एल्गोरिथम। नाउ अब ये आप अप्लाई करिए, अप्लाई अप्लाई करिए डायक्स्टा एल्गोरिथम और मुझे डायक्स्टा का आउटपुट बताइए। अब क्या मैं ही करूं क्या? नो सर, करो जल्दी से। देखो इतना तो दो स्टेप तो मैंने ही कर दिए, अभी नहीं कर दिए, करो आगे के। ओके सर, डन। यस, चलो देखो ध्यान से। नाउ अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सी कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? जीरो, पेरेंटेज नल। देखो ध्यान से, नाउ ए टू बी कॉस्ट इज, अब इसको मैंने डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ए से बी कॉस्ट इज 10, तो 10 इज लेस देन इनफाइनाइट, यस 10 फ्रॉम 10 फ्रॉम ए। नाउ देखिए ध्यान से, ए से सी कॉस्ट इज 50, ए से सी कॉस्ट इज 50, इज 50 लेस देन इनफाइनाइट, यस 50 फ्रॉम ए। अब ए से डी कोई अपडेशन नहीं, खत्म, बोलो जल्दी से। यस सर, ये कॉस्ट क्या आ गई 10 फ्रॉम ए, ये कॉस्ट क्या आ गई 50 फ्रॉम ए, ये कॉस्ट क्या आ गई हमारी इनफाइनाइट नल। ठीक है, अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा? दिस व्हिच इज बी, बी डिलीट हो गया, तो देखिए ध्यान से, बी से डी कॉस्ट इज 5, 10 प्लस 5 15, इज 15 लेस देन इनफाइनाइट, यस 15 फ्रॉम बी। नाउ देखिए ध्यान से, बी से सी कॉस्ट इज -48, तो 10 -48 -38 इज -38 लेस देन 50, यस -38 फ्रॉम बी। कोई डाउट जल्दी बोलो। नो सर, नाउ मिनिमम क्या आ गया? -38, क्या है हमारा सी। नाउ ये डिलीट हो गया, तो देखिए -38 प्लस 4 -34 इज -34 लेस देन 15, यस -34 फ्रॉम सी। क्लियर, बोलो। यस सर, क्लियर। ध्यान से, ए से ए मिनिमम कॉस्ट डायक्स्टा से भी क्या आ रही है? जीरो आ रही है। ए से बी मिनिमम कॉस्ट डायक्स्टा से भी क्या आ रही है? 10 आ रही है। ए से सी मिनिमम कॉस्ट -38, ए से डी मिनिमम कॉस्ट -34, करेक्ट ही आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। जल्दी से पहले ये बना लो, जल्दी से पहले ये बना लो। कौन गाना गा रहा है? डन।
Done? Yes, sir. Got rolled up. बस ध्यान से देखो, सेम एज इट इज ग्राफ है, बस मैंने एज इन दोनों एजेस की डायरेक्शन रिवर्स कर दी. क्लियर? हेलो हेलो. यस सर. यस सर. ग्राफ है, बस मैंने उन दोनों एजेस की डायरेक्शन रिवर्स कर दी. क्लियर है ना? हेलो. यस सर. Yes, sir. अब जल्दी से पहले तो मुझे बताओ मैन्युअली, मैन्युअली A to A मिनिमम कॉस्ट बोलो. जीरो जीरो जीरो. A to B नहीं बताएंगे सर. टू टू से A to A जीरो. ठीक है ना, ये चलो कर ही देता हूँ. चलो उधर पे दूसरे कलर से करूंगा. A to A जीरो, A to B. देखिए यहाँ से टेन, लेकिन अगर यहाँ से आप आए तो टू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. A to C, देखिए यहाँ से 50, यहाँ से 70, यानी 50 हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. A to D, यहाँ तक की है 2, तो यहाँ से 50 हो जाएगी कि नहीं? Yes, बोलो. Yes, sir. लगा दी बैक का. जल्दी से डायरेक्शन लगाइए, उसका आउटपुट निकालिए. सर आउटपुट सेम नहीं आएगा? अरे यार नहीं आ रहा है, तभी तो ये क्वेश्चन दिया है आपको. डीडी मे और मे नॉट गिव करेक्ट आंसर. यस सर. एक प्रीवियस क्वेश्चन इसीलिए सेम एज इट इज दिया था कि देखिए ध्यान से, उधर पे आंसर करेक्ट आ रहा था, लेकिन एक बार करेक्ट डजंट मीन ऑलवेज करेक्ट. कहने का मतलब एग्जांपल से हम ट्रू नहीं बोल सकते. देखो ध्यान से, मैंने ए को डिलीट किया, क्या होगा? अब देखो ध्यान से, ए से भी कॉस्ट इज 10. जल्दी से बोलो कोई भी डाउट हो. ये क्या हो जाएगा, 50 फ्रॉम ए खत्म. तो अपडेट करिए, बी की कॉस्ट 10 फ्रॉम ए, सी की कॉस्ट 50 फ्रॉम ए, डी हमारा एज इट इज. कौन डिलीट हुआ हमारा? बी डिलीट हो गया. बी डिलीट हुआ तो देखिए 10 plus 5 15 15 less than infinite 15 from b. ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 plus 60 70 70 is less than 15. नो, ये क्या हो गया 15 फ्रॉम बी. नॉर्म मिनिमम क्या है हमारा? डी. डी डिलीट हो गया, कोई अपडेशन नहीं, एज इट इज 50 फ्रॉम ए.
डिलीट हो गया खत्म। देखिए ना से ए टू ए मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, जीरो आई, करेक्ट, कोई इशू नहीं। नाउ ए टू बी मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, टेन। देखो इधर पे गलत आ गया कि नहीं आ गया, ए टू डी मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, फिफ्टीन आई, प्रीवियस टेन था गलत हो गया। ए टू सी मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, फिफ्टी आई, करेक्ट, कोई इशू नहीं। तो यानी कि डैश का आंसर गलत आ गया कि नहीं आ गया। हेलो, यस सर, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि मैनुअली गलत किया है हमने। हेलो, अरे जल्दी बोले यार, एक तो आप लोग बोलते नहीं हो यार, मतलब। हेलो, यस सर, मैनुअली तो सही किया सर, इससे गलत आ रहा है। हाँ तो अब एक सेकंड सुनो ध्यान से, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अब आपने क्विकली रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो आप सुनो ध्यान से। ऑब्वियसली मैं अपने पढ़ाने का तरीका तो नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपसे बीच में पूछूंगा ही, जब मैं कंप्लीट कर दूंगा ना, जैसे मतलब जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो, मैंने कंप्लीट कर दिया, लो हो गया बस। मैं पूछता हूँ तो बताते ही नहीं हो, पूछो तो चार चार बार पूछो सर, बीच में बार बस पूछते ही रहो। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो जल्दी से क्लियर है कि नहीं। मतलब ये की डैक्सा का आंसर हमेशा गलत आएगा? लेकिन अगर निगेटिव एज वेट है तो डायस्टा का आउटपुट मे बी रॉन्ग। यस, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, अगर मैं इस माइनस 48 को माइनस 30 से रिप्लेस कर दूं, इस माइनस 48 को माइनस 30 से रिप्लेस कर दूं, देखो डायस्टा का आंसर तुरंत सही आएगा। क्यों? माइनस 30 से अगर मैंने कर दिया तो ए टू बी कॉस्ट कितनी आ रही है इधर से, 10। अगर 50 माइनस 10 करूंगा, 50 माइनस माइनस 30 रिप्लेस कर दिया, 50 माइनस 30 20 आएगा, यानी कोई अपडेशन नहीं, 10 ही रहेगा। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो जल्दी से पहले तो एक नोट लिखो। यस सर, इधर पे पहले तो ये लिख लेना, सो डायस्ट्रास एल्गोरिथम फेल्स, सो डायस्ट्रास फेल्स, बट इफ माइनस 48 But if minus 48 is replaced by minus 30, but if minus 48 is replaced by minus 30, then Dijkstra's output will be correct. Then Dijkstra's output will be correct. Will be correct. क्लियर? यस सर। चलो देखो ये ध्यान से, अब एक चीज और समझो जरा कि डायस्टा का आंसर, अब लॉजिकली समझो कि डायस्टा का आंसर गलत क्यों आया। ध्यान से देखिए, अगर ग्राफ में, पहले तो मैं जनरलाइज कर देता हूं, अगर ग्राफ में सारे के सारे पॉजिटिव एज वेट है तो डायस्टा का आंसर कभी भी गलत आ सकता है क्या? नो सर, कभी भी गलत नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव एज वेट है तो आंसर डायस्टा का हमने जब स्टार्टिंग की तो ए की कॉस्ट पहले हमने निकाली जीरो, कोई इशू नहीं। फिर ए से बी हमारी कॉस्ट आ रही थी 10 और यहां से कॉस्ट आ रही थी 50, ठीक है। अब हम डायस्टा में करते क्या है, जब हम ए से बी पे निकाल लेते, मतलब हमने ए को डिलीट कर दिया, ठीक है ना। हेलो, यस सर। अब देखो ध्यान से, मिनिमम कॉस्ट हमने ओवरऑल में देखी, जो आया हमने उसको डिलीट किया, मिनिमम क्या आया, बी आया, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ये भी तो हो सकता था कि सी से अगर हम बी पे आए, कॉस्ट डिक्रीज कर जाए, कॉस्ट डिक्रीज कर जाए, क्यों कर जाए, नेगेटिव एज वेट की वजह से। लेकिन अगर पॉजिटिव एज वेट होते, कभी भी कॉस्ट डिक्रीज कर सकती थी। यस सर, नो सर, नो सर, कभी भी कर सकती थी। ध्यान से देखो ना कि सबसे पहले हम कहां पे गए, मिनिमम वाले पे गए, ठीक है। अगर हम बी पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए से सी की, ए से किसी भी और, हमने ए के पास बी को डिलीट किया, इसका मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट बी की ही रही होगी, क्योंकि कोई और होता तो फिर हम उसको डिलीट करते, ठीक है।
यानी कि किसी और पे अगर ए से हम जा रहे होते तो उसकी कॉस्ट 10 से तो ज्यादा ही रही होगी। नाउ उस वर्टेक्स पे जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी 10 से ज्यादा है, अगर ग्राफ में सारे के सारे पॉजिटिव एज वेट है, उधर से आप बी पे भी जाते तो कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाती। यानी कि डायस्टा का आंसर हमेशा करेक्ट आएगा अगर पॉजिटिव एज वेट्स हैं। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्राफ में निगेटिव एज वेट है, हमने सबसे पहले बी किया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली ए से मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, बी की आ रही है, ठीक है। बाकी जितनी वर्टिसेस है सबकी कॉस्ट उससे ज्यादा ही आ रही होगी, देखो आ ही रही है, इधर पे 50 आ रही है, इधर इनफाइनाइट आ रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ग्राफ में निगेटिव एज वेट है, हम कहीं और से बी पे आए और उस पाथ की कॉस्ट को माइनस इनफाइनाइट मतलब माइनस वन करो, तो बी की इफेक्टिव कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी। यस सर। अब ये पॉसिबिलिटी तभी है जब ग्राफ में निगेटिव एज वेट हो, लेकिन डायरेक्शन वो पॉसिबिलिटी कवर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे पहले वो दूसरी वर्टेक्स से आए वो बी को डिलीट ही कर देता है। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा ना। जानवी की घर से कॉलेज की कॉस्ट कुछ आ रही है, अगर मैंने कॉलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जब कॉलेज ही नहीं बचा, तो वो कॉस्ट कभी मॉडिफाई हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। तो डायरेक्शन का आंसर इस वजह से गलत आता है। क्लियर है ना? यस सर। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो डायरेक्शन का आंसर गलत क्यों आता है, क्योंकि डायरेक्शन रिलैक्सेशन केवल वन टाइम करता है हर वर्टेक्स के लिए, क्यों, वो डिलीट ही कर देता है। यस सर। ठीक है। इस इशू को ओवरकम करने के लिए हम कहां जाते हैं, बेलमैन फोडेल्गो पे, जो कि हमारा ग्रीडी का एप्लीकेशन नहीं है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है। ग्रीडी हमारी कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? यस सर। पहले तो नोट लिखिए, डायस्टा डू रिलैक्सेशन, डायस्टा डू रिलैक्सेशन, डायस्टा डू रिलैक्सेशन ओनली वन टाइम फॉर ईच वर्टेक्स, ओनली वन टाइम फॉर ईच वर्टेक्स, ओनली वन टाइम फॉर ईच वर्टेक्स। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. तो पहले कुछ चीजें बता देता हूं, इसके बाद मैं बेलमैन फोर्ड बताता हूं। तो डायस्टा अगर ग्राफ में केवल पॉजिटिव एज वेट है, डायस्टा का आंसर ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट। अगर ग्राफ में नेगेटिव एज वेट है, डायस्टा का आंसर मे नॉट बी करेक्ट। अगर ग्राफ में नेगेटिव एज वेट साइकिल है, तो डायस्टा का आंसर सुनो ध्यान से, अगर मैंने कर दिया, लो प्रीवियस वाला ग्राफ बना देता हूँ, देखो ध्यान से, ये कर दिया, ठीक है। अरे पहले तो ये साउंड बंद कर लो, ये पीछे कौन टीवी देख रहा है। अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव एज वेट साइकिल है कि नहीं? यस सर। नेगेटिव एज वेट साइकिल यानी कि आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों आंसर पॉसिबल ही नहीं है, देखो ध्यान से, यहां से कॉस्ट बी की कॉस्ट आ गई 10, फिर ध्यान से देखो बी से डी सी की कॉस्ट यहां से आ रही थी 50, अब यहां से क्या आ जाएगी, -470। यस सर। फिर आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे और इधर भी जाते जाओगे, तो यानी कि इन तीनों वर्टेक्स की कॉस्ट माइनस इनफाइनाइट आएगी, जो कि डीएलटी में कोई कॉस्ट नहीं है। यस सर। जबकि डायस्टा हमेशा कॉस्ट दे देगा, क्यों, वो साइकिल तो कभी देखेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक बार में वो डिलीट करता चला जाएगा। यानी कि अगर ग्राफ में पॉजिटिव एज वेट, तो डायस्टा का आंसर हमेशा सही। अगर नेगेटिव एज वेट लेकिन साइकिल नहीं है, तो मे और मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है, तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव एज वेट साइकिल का मतलब क्या है, जो वर्टिसेस उस साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही होंगी, एज वेल एज जो जिनका इंपैक्ट, जिनके ऊपर नेगेटिव एज वेट साइकिल का इंपैक्ट आ रहा होगा, उनकी रियलिटी में कॉस्ट आएगी माइनस इनफाइनाइट, जो कि कॉस्ट नहीं है कोई, लेकिन डायरेक्टली उनकी कॉस्ट भी दे देगा। यस क्लियर है? यस सर। तो प्रिकॉशन क्या लेंगे हम, कि अगर ग्राफ में नेगेटिव एज वेट हो, तो सीधे कहां चले जाओ, बेलमैन फोडेल्गो पे, क्यों, इसका आंसर मे और मे नॉट भी करेक्ट होता है कि नहीं?
अब बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेलमैन फोर्ड की बात करूं अगर, तो अगर ग्राफ में पॉजिटिव एज वेट तो हमेशा आंसर करेक्ट, अगर ग्राफ में निगेटिव एज वेट लेकिन साइकिल नहीं है तब भी आंसर हमेशा करेक्ट, ग्राफ में अगर निगेटिव एज वेट साइकिल है तो ऑब्वियस ही बात है आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा कुछ वर्टिसेस का. यस सर. इसका पॉसिबल नहीं होगा जो वर्टिसेस निगेटिव एज वेट साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही होंगी और वो वर्टिसेस जिनके ऊपर निगेटिव एज वेट साइकिल का इंपैक्ट आ रहा होगा. यस सर. तो बेलमैन फोर्ड आपको ये भी बताएगा कि इन वर्टिसेस के लिए आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव एज वेट साइकिल में इन्वॉल्व है और जो इन्वॉल्व नहीं है उनका आंसर भी देगा. क्लियर है? यस सर. यस सर. तो ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर हम डायस्टा फिर यूज क्यों करते हैं? बोलो जल्दी. पॉजिटिव वालों के लिए यूज कर लेते सर बस. हाँ हाँ, तो क्यों यूज करते हैं? बेलमैन फोर्ड यूज करोगे वो पॉजिटिव के लिए भी करेक्ट आंसर देगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी सर. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. कह सकता हूँ बेलमैन फोर्ड ज्यादा पावरफुल है लेकिन तब भी डायस्टा यूज होती है पॉजिटिव के लिए. इसका मतलब क्या है कि डायस्टा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेलमैन फोर्ड से क्या होगी? कम होगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में. क्लियर? ब्रैकेट में लिख लेना बेलमैन फोर्ड, ब्रैकेट में लिखना. अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप ही लिख लो. बेलमैन फोर्ड ब्रैकेट में लिखिएगा, डू रिलैक्सेशन बी माइनस वन टाइम्स, डू रिलैक्सेशन बी माइनस वन टाइम्स. Do relaxation v minus 1 times. V क्या है हमारी? Set of vertices. Graph क्या होता है? Set of vertices and edges. Yes. चलो अब ध्यान से सुनिएगा. तो कह सकता हूँ और ये मैंने पहले ही लिखवा दिया. ये आपका dynamic programming का application है. Dynamic programming का मतलब क्या है? Covering all the possibilities. देखो ध्यान से, greedy technique आपका over हो गया. Greedy के आपके जितने भी application थे आप हर एक application में या तो minimum को target करते थे या maximum को target करते थे. देखो ध्यान से, ऐसे ही था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. Dynamic programming में क्या होगा? Covering all the possibility, आप कोई भी possibility नहीं छोड़ोगे. ठीक है? तो अगर मैं डिटेल में बोलूं तो देखो जैसे सारी की सारी पॉसिबिलिटी कवर करनी है. इसका मतलब क्या कि हम मिनहीप का यूज करेंगे? No. अगर हम मिनहीप का यूज नहीं करेंगे तो बताइए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा जो हम यूज करें? Array. Very good. तो हम किसका यूज करते हैं इसमें? Array का. अब पहले समझ लो उसके बाद में लिख लेना. DLT में अगर मैं बोलूं तो बेलमैन फोर्ड एल्गो में रिलैक्सेशन कितनी बार होता है? V माइनस वन टाइम्स. लेकिन अगर मैं रियलिटी में बोलूं तो वो रियलिटी में होता है V टाइम्स. जो Vth राउंड होता है वो वेरिफिकेशन के लिए होता है केवल. ठीक है, अभी समझ जाओगे. ध्यान से देखना क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली बार बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर बेलमैन फोर्ड एक बार फिर से रिपीट कर दिए. आज की क्लास में नहीं, बाद में. बाद में कोई अब किसी ने बोला ना तो सीधे सॉरी बोल दूंगा. क्लियर है? जल्दी से बताइए जरा इसके मैन्युअली आंसर क्या आ रहे थे हमारे? 0, 2 सी की 50 डी की 7. तो आंसर हमारा यही आना चाहिए. डायस्टा से तो आप देख चुके हो गलत आ रहा है. यस सर. बेलमैन फोर्ड अगर हमारी करेक्ट है तो उसका आंसर यही आना चाहिए. ठीक है ना? इन एरे, एरे में ले ली मैंने ए बी सी डी. ठीक है, पहले तो क्वांटिटी वाला पार्ट कर देता हूँ. इनिशियली सबकी कॉस्ट इनफाइनाइट, सबके पेरेंट नल. ठीक है ना? हेलो. फिर सोर्स की कॉस्ट क्या कर दी? जीरो. उसका पेरेंट नल और बाकियों के भी पेरेंट नल. क्लियर? हेलो. अब ध्यान से वर्टिसेस कितनी है हमारी? 4. अगर आंसर आएगा, अगर आंसर आएगा तो तीन पासेस में आ जाएगा. अब ये फोर्थ पास किस लिए होता है? वेरिफिकेशन के लिए. वेरिफिकेशन के लिए. यस सर. अब वो क्या वेरिफिकेशन के लिए? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पासेस हमारे 1 2 3 4 होंगे ही होंगे. हो सकता है थर्ड पास ही एग्जीक्यूट ना हो.
कि जिस पास में जिन दो कंसेक्यूटिव पास में वैल्यू सेम आ गई, सपोज जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर आ गई, बस वही आंसर हो गया, फिर थर्ड पास हो गई नहीं। लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो हम करते जाएंगे कब तक, मैक्स टू मैक्स जितनी भी वर्टिसेस है उतने राउंड तक। क्लियर है? देखो इधर ध्यान से ना, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, एजेस की नंबरिंग कर दो जो आपका मन करे उसको, एजेस की नंबरिंग कर दो। नंबरिंग समझ में आ रहा है? एजेस कितनी हमारी ग्राफ में, देखो ध्यान से, 6 एजेस हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। ये बेलमेंटफोर्ड क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है, मतलब कवरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी। हर एक पास में हम क्या करते हैं, सारी की सारी एजेस को रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं, सारी की सारी एजेस को रिलैक्स करते हैं। कहने का मतलब सारी वर्टिसेस को रिलैक्स करने का मतलब क्या, सारी एजेस को रिलैक्स कर दो। क्यों, डिक्रीज की ऑपरेशन होता तो एज वेट की वजह से है। यस सर। चलो अब ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाद में हो सकता है कई लोगों को डाउट आए, लिखने पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस कर लो। अगर लिखने पे फोकस कर रहे हो तो क्लास क्यों कर रहे हो, आप ही के रिमेनिंग फ्रेंड्स हैं, उनसे बाद में नोट्स ले लेना। सर रख दी कॉपी, बंद करके रख दी। अब मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो बहुत सारे लोग हैं इधर पे, चलो दिखे रहे। नाउ तो मैंने आपसे क्या बोला, 6 एजेस है, जो मर्जी आए वो नंबरिंग कर दो, बताओ 1 to 6, बताओ 1 किसको दूं? को बोलो, अब वो भी 10 बी को दे दो सर, सी से डी बी को दे दो, बी बी हमारी एज है 60। मतलब बोलो एज को नंबरिंग दो, बोलो बी को दे दो सर, मेरे ख्याल में तो बी, देखो ध्यान से, मेरे ख्याल में तो बी वर्टेक्स है, आपकी साइड से एज दिख रही है क्या बी? नो सर। तो एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत आसान कर रहा है ये तो। सारे म्यूटी हैं। अरे कोई एक पर्सन अपना माइक खोल लो, कोई एक पर्सन अपना माइक खोल लो जिसका नेट परफेक्टली फाइन हो। चलो देखो ध्यान से, हाँ सुनिए ध्यान से, इसको एज नंबर 1 दे दी, जल्दी से बोलो 2 किसको दे दूं? 50 को दे दिया। अरे ये वही माइक खोल रहा है जिसका नेट सही नहीं आ रहा है। बेटा जिसने भी अभी बोला उसका नेट सही नहीं आ रहा है, वो अपना माइक बंद कर लो। अरे कोई इधर पे है जिसको पता है उसका नेट सही आ रहा है? यस सर। तो अपना माइक खोल लो, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, तान्या बताओ, तान्या एज नंबर 3 किसको दूं? सर अरे नहीं नहीं, तान्या आप ही का माइक बंद नहीं कर रहा है। नहीं सर, मैंने तो तब से बंद करके रखा। ये अभी बीच में किसने खोला था माइक? डियर तान्या बोलो जरा लगातार कुछ कुछ भी। यस सर, बेलमैन फोर्ड मैन्युअली। आपका करेक्टली वर्क कर रहा है, आपका करेक्टली वर्क कर रहा है। प्लीज जिसको डाउट है अपने नेट पे, अभी बीच में किसी ने माइक खोला था उसका नेट वर्क नहीं कर रहा है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, तो प्लीज अपना माइक मत खोलिएगा। हाँ तान्या बताओ एज नंबर 3। सर 4। 4 को दे दिया। नाउ एज नंबर 4। -48। एज नंबर 5। 5 सर। इसमें सोच क्या रहे हो? एज नंबर 6 ऑटोमेटिक, ये हो गया, ठीक है? चलो देखो रिजल्ट से, तो मैंने बोला पहले पास में क्या करो, सारी की सारी एजेस को रिलैक्स कर दो, सारी की सारी एजेस को क्या कर दो, बोलो रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो। देखो ध्यान से एज नंबर 1, देखिए ध्यान से एज नंबर 1 कहां से कहां है, बी से सी है कि नहीं? देखो बी की कॉस्ट क्या है, इनफाइनाइट। यस सर, समझना सब लोग, इनफाइनाइट प्लस 60 क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट? नो, कोई इशू नहीं, कोई अपडेशन नहीं होगा। एज नंबर 2 पे आओ, एज नंबर 2, एज नंबर 1 समझ में आया? चलो देखो एज नंबर 2 पे आओ, ए की कॉस्ट कितनी है, 0, 0 प्लस 50, 50 इज 50 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। तो 50 फ्रॉम ए। चलो एज नंबर 3 पे आओ, सी से डी है, सी की कॉस्ट कितनी है, 50, 50 प्लस 4, 54, इज 54 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। 54 फ्रॉम यस सर सी। नाउ एज नंबर 4 समझ में आ रहा है ना? यस सर। नाउ एज नंबर 4, 50 माइनस 48, 2 इज 2 लेस देन इनफाइनाइट? यस सर। 2 फ्रॉम सी। एज नंबर 5, 2 प्लस 5, 7 इज 7 लेस देन 54? यस सर, लेस। 7 फ्रॉम बी। एज नंबर 6, 0 प्लस 10, 10 इज 10 लेस देन 2? नो सर। नो, कंप्लीट
सारी सारी एजेस हो गई yes, sir. जो भी वैल्यू है वो उठा के लिख दिए, ये क्या है, ए की वैल्यू जीरो नल, बी की वैल्यू क्या है टू फ्रॉम सी, सी की वैल्यू क्या है 50 फ्रॉम ए, डी की वैल्यू क्या है 7 फ्रॉम बी, क्लियर yes, sir. चलिए ये हो गया पास वन कंप्लीटली कंप्लीट. पास टू में क्या करो, फिर से सारी की सारी एजेस को रिलैक्स कर दो, ये मार्किंग आप पहले ही कर चुके हो. चलिए देखिए ध्यान से, नाउ एज नंबर वन 2 + 60 = 62 = 62 < 50 नो सर नो. एज नंबर टू 0 + 50 = 50 = 50 नो सर. एज नंबर थ्री 50 + 4 = 54 = 54 < 7 नो सर. एज नंबर फोर 50 - 48 = 2 = 2 नो सर. एज नंबर 5 2 + 5 = 7 = 7 नो सर. एज नंबर 6 0 + 10 = 10 = 10 < 2 नो सर. कोई अपडेशन? नो अपडेशन. जो भी आए वो एज इट इज लिख दो, कुछ अपडेशन हुआ ही नहीं, यानी एज इट इज आ गया यस सर. दो पास का आउटपुट सेम आ गया कि नहीं आ गया यस सर. तो बस यही हो गया आंसर. ए टू ए मिनिमम कॉस्ट 0, ए टू बी मिनिमम कॉस्ट 2, ए टू सी मिनिमम कॉस्ट 50, ए टू डी मिनिमम कॉस्ट 7 आंसर. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. यस सर. तो बस हमें करना क्या है, हमें तब तक पासेस करने हैं जब तक कि दो पास का आउटपुट सेम ना आ जाए. अगर सेम नहीं आता, मान लो अगर इधर पे कुछ भी चेंज होता तो हम पास 3 पे जाते, फिर कुछ भी चेंज होता तो हम पास 4 पे जाते. और अगर पास 4 में सुनिए ना, अगर पास 4 में ध्यान से सुनो, पास 1 ये आया, पास अगर पास 2 ये नहीं आता तो फिर हम पास 3 करते. समझ में आ रहा है? यस सर. लेट सपोज पास 2 में ये 7 की जगह 6 आ जाता तो हम पास 3 करते, फिर पास 3 में ये 6 की जगह 5 आ जाता तो हम पास 4 करते. अगर पास 4 में दोनों का आउटपुट सेम आ जाता, सबका 3 और 4 का आउटपुट सेम आ जाता तो वही आंसर. लेकिन अगर पास 4 में भी चेंज आ जाता तो आंसर नॉट पॉसिबल. जिस जिसका आंसर चेंज हुआ है उधर पे आंसर पॉसिबल नहीं है, जो जो आंसर चेंज नहीं हुए वो आपके आंसर हो गए. मतलब जो चेंज हुए हैं उधर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेगेटिव एजिवेट साइकिल में, जो नहीं हुए उनके करेक्ट आंसर है. नहीं आया? बोलो. आ गया सर. जल्दी से पहले लिख लो, ये एक बार और करके दिखा दे रहा हूं, बस जल्दी से लिख लो इसे. सर फिक्स्ड पासेस हमेशा 4 रहेंगे उससे कम? अरे बताया तो अभी, इस क्वेश्चन में दो ही पासेस लग रही हैं, कहां तीसरा पास लगा? सर ऑलवेज जैसे पास कितने होने चाहिए, कितने लगने चाहिए? वो केवल रजनीकांत बता सकता है बेटा, मैं नहीं बता सकता. देखो जैसे इधर पे 2 आ रहे हैं, अभी मैं एजेस की नंबरिंग चेंज करूंगा, देखो 3 आ जाएंगे. देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, आप सुना ही नहीं ध्यान से, कि तब तक आपको करना है जब तक कि दो पास का आउटपुट सेम ना आ जाए. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. वर्स्ट केस में पासेस कितने लगेंगे? जितनी हमारी वर्टिसेस हैं. अरे मिनिमम पासेस कितने लगेंगे? 2 लगेंगे. मैंने क्या बोला, तब तक करना है जब तक कि दो पास का आउटपुट सेम ना आ जाए. इसका मतलब क्या है, मिनिमम 2 पासेस? हेलो. यस सर. और मैंने आपसे क्या बोला, वर्स्ट केस में आपको कहां तक करना है, जितनी वर्टिसेस हैं उतने पासेस. यस सर. जल्दी से पहले ये लिख लो, एक और दूसरे तरीके से नंबरिंग करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया कि नंबरिंग कर दो, लेकिन आपने नंबरिंग ऐसे की कि वो हमारा बेस्ट केस बन गया. यस. हो गया? रब करूं? ओके सर. चलो देखो ध्यान से, ठीक है, अपने हिसाब से एजेस की मार्किंग कर दूं, नहीं तो फिर से आप बेस्ट केस बना दो कहीं. कर दीजिए. हाँ सर. ओके सर. ये ले ली मैंने एज नंबर 1, ये ले ली एज नंबर 2, ये ले ली मैंने एज नंबर 3, ये ले ली मैंने एज नंबर 4, ये ले ली मैंने एज नंबर 5 और ये ले ली मैंने एज नंबर 6. ध्यान से देखो, ये वर्स्ट केस है. क्यों? क्योंकि डीएलटी में अपडेशन तो स्टार्ट वहीं से होगा जो ए से कनेक्टेड होंगी. बोलो. यस सर. तो मैंने उन्हीं को लास्ट में लिया है ताकि पास 1 वेस्ट हो जाए. यस सर.
चलो देखो एकदम सही, हम कैसी भी नंबरिंग ले सकते थे, कोई मैटर नहीं करता, क्लियर है ना? हेलो यस सर। चलो देखो एकदम सही, अब मैं पास वन लगा रहा हूँ, पास वन लगा रहा हूँ, देखिए एकदम सही। एज नंबर वन कोई अपडेशन, इनफाइनाइट से कुछ भी करोगे इनफाइनाइट ही आएगा। अरे लो इनफाइनाइट, फाइव इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट, नो कोई इशू नहीं, क्लियर है? एज नंबर टू कोई अपडेशन नहीं, एज नंबर थ्री कोई अपडेशन नहीं, एज नंबर फोर कोई अपडेशन नहीं, एज नंबर फाइव पे जाके अपडेशन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अपडेशन तो स्टार्ट जीरो ही से होगा। यस सर। तो जीरो प्लस 50 लेस देन इनफाइनाइट। यस सर। यार कौन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना माइक बंद कर दो। देखो ध्यान से, एज नंबर फाइव जीरो प्लस 50 इज 50 लेस देन इनफाइनाइट। यस सर। तो 50 फ्रॉम ए। नाउ एज नंबर सिक्स जीरो प्लस 10, 10 इज 10 लेस देन इनफाइनाइट। यस सर। 10 फ्रॉम ए, कोई डाउट? नो सर। सारी एजेस कंप्लीट, यानी कि पास वन का आउटपुट क्या आ गया, ये हो गया जीरो नल, बी क्या हो गया 10 फ्रॉम ए, सी क्या हो गया 50 फ्रॉम ए, और डी हमारा एज इट इज। क्लियर सबको? यस सर। चलो देखो ये ध्यान से सुनिए, पास नंबर टू, पास नंबर टू की अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, पास नंबर टू क्या है, फिर से सारी एजेस को रिलैक्स कर दो, देखिए ध्यान से। एज नंबर वन 10 प्लस 5 15, इज 15 लेस देन इनफाइनाइट और नॉट? यस। तो 15 फ्रॉम, यस सर। एज नंबर टू, एज नंबर टू 50 प्लस 4 54, इज 54 लेस देन 15? नो सर। यस सर। नो, खत्म। एज नंबर थ्री 10 प्लस 60 70, इज 70 लेस देन 50? No sir. No. Edge number 4, 50 minus 48, 2 is 2 less than 10? Yes. So 2 from C. Edge number 5, 0 plus 50, 50 is 50 less than 50? No sir. Edge number 6, 0 plus 10, 10 is 10 less than 2? No sir. No sir. Khatam. Pass 2 ka output likhiye jaldi se, kya aa gaya? 0 null. Ye kya hai? 2 from B ki value, 2 from C, C ki value 50 from A, D ki value 15 from B. क्लियर? बोलो देखो, वैल्यू चेंज हुई कि नहीं इन दोनों पासेस में? यस सर। वैल्यू चेंज हुई, इसका मतलब क्या है, हो सकता है आगे भी जाके चेंज हो जाए, तो आ जाओ जरा फिर से पास करते हैं। पास नंबर थ्री, सारी एजेस को रिलैक्स कर दो। एज नंबर वन 2 प्लस 5 7, इज 7 लेस देन 15? यस सर। यस। तो 7 फ्रॉम, बी क्या कर रहे हो, 7 फ्रॉम बी, समझ में आ रहा है? यस सर। लो एज नंबर टू, एज नंबर टू 50 प्लस 4 54, कोई अपडेशन नहीं? यस सर। एज नंबर थ्री 2 प्लस 60 62, कोई अपडेशन नहीं? नो सर। एज नंबर फोर 50 माइनस 48 2, कोई अपडेशन नहीं? एज नंबर फाइव 0 प्लस 50 50, कोई अपडेशन नहीं? एज नंबर सिक्स 0 प्लस 10 10, कोई अपडेशन नहीं? यस सर। यानी आउटपुट क्या आ गया, 0 नल, 2 सी, 50 ए एंड 7 बी, क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई? यस सर। यानी कि हो सकता है आगे भी चेंज हो जाए, हो सकता है आगे भी चेंज हो जाए। पास नंबर 4 देखो ध्यान से, फिर से सारी एजेस को रिलैक्स किया, 2 प्लस 5 7, कोई अपडेशन? नो सर। एज नंबर 2 50 प्लस 4, कोई अपडेशन? नो सर। एज नंबर 3, एज नंबर 3 2 प्लस 60, कोई अपडेशन? No sir. Edge number 4, 50 minus 48, कोई अपडेशन? No sir. Edge number 5, 0 plus 50, कोई अपडेशन? No sir. Edge number 6, 0 plus 10, कोई अपडेशन? No sir. यानी कि as it is आ गया। देखिए yeah. pass 3 और pass 4 का आउटपुट यही आ गया, इसका मतलब क्या है, यही हमारा आंसर है। तो a to a cost is 0, a to b cost is 2, a to c cost is 50, a to d cost is 7, clear है? पासेस कितने लगे हमारे, बी? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हर एक पास में कितना टाइम लग रहा है, हर एक पास में आप सारी की सारी एजेस को रिलैक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. एज को रिलैक्स करने में कितना टाइम लगेगा, बी? क्या कर रहे हो, कांस्टेंट टाइम लगेगा, एरे में है, मिनी थोड़ी ना है। Yes, sir. एक एज को रिलैक्स करने में कितना टाइम, कांस्टेंट। ई एजेस कितनी है, ई रिलैक्स करने में कितना टाइम, ऑर्डर ऑफ ई,
यहाँ भी ऑर्डर ऑफ ई, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ ई, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ ई, हर एक केस में ऑर्डर ऑफ ई, तो ओवरऑल कितना ऑर्डर ऑफ वी ई. यस सर. क्लियर है? यस सर. अगर मैं बोलूं इफ ग्राफ इज कंप्लीट तो कितना ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर. अरे वी क्यूब क्या कर रहे हो, अगर ग्राफ कंप्लीट है तो ई हमारी, ई हमारी कितनी होगी, बी सी टू, यानी कि वी स्क्वायर होंगी कि नहीं एजेस. क्लियर है ये सबको? यस सर. जल्दी से लिख लो. सर आपका टेस्ट हो गया? नहीं डियर, टेस्ट तो कराने जा रहा था, सर ने बोल दिया कि वायरल ही है और वो मुझे लग भी रहा है कि वायरल है. रीजन मीन कि कोरोना होता तो किसी की, किसी ना किसी के आने की वजह से होता, क्योंकि मैं तो अराउंड 2 महीने पहले ही बाहर निकला था और मैं तब से बाहर ही नहीं निकला हूँ, और ना तो मैं बाहर निकला हूं ना ही कोई बाहर से इधर आया है. मतलब आप लोग कह सकते हो कि मैं 2 महीने से क्वारंटीन हूं. लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, डॉक्टर ने ही बोल दिया कि जब मेरे सारी सारी सारे सिम्टम वगैरह बताए वो कोरोना वगैरह है नहीं. वो मुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि अगर कोरोना होगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा, उसमें तो परमानेंटली मेरी हालत खराब होगी. ऐसा थोड़ी ना होगी जब मैं क्लास लेता हूँ, क्लास लेंदी लेने के बाद मेरी हालत खराब होती है. अभी देखो, अभी मेरी हालत परफेक्टली परफेक्ट लग रही है कि नहीं लग रही है? ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही है कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं 3-4 घंटे ले लूंगा, सर स्मेल और टेस्ट आ रहा है, नहीं डियर मुझे कोल्ड हो रखा है, तो वो कैसे आएगा? ठीक है, तो जैसे मैं लंबी क्लास लेता हूँ ना, तब मुझे इश्यू आने शुरू होते हैं. Yes, sir. मुझे पता है कि अगर एक दिन कम्प्लीटली मैं सारी सारी क्लासेस से ऑफ ले लूंगा तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, और जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर दूंगा. या आपका एनी हाउ कल छोटी सी क्लास में ये एल्गोरिथम कम्प्लीट हो जाएगा. और देखो ध्यान से, और मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले ही मैंने बोला था कि जो एल्गोरिथम कम्प्लीट हो जाएगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, वो एल्गोरिथम कम्प्लीट करा रहा हूँ. उतना एल्गोरिथम मैं नहीं कराना चाहता, और वो आपको इसीलिए करा, आपसे जो अलॉटेड टाइम था, जो मुझे अलॉटेड टाइम था, वो तो आपका वैसे ही ओवर हो चुका है. ये सब अपने हैंड से करा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको कम से कम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन करा दूं. यस सर, पता है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि एल्गोरिथम केवल इतना ही है. मैं यूजुअली 8 एप्लीकेशन कराता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के. हो गया? नो सर. जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो. कॉम्प्लेक्सिटी फिर से बता दीजिए इसकी. देखो, हमने हमारे पासेस कितने लगेंगे इधर पे, जितनी वर्टेक्स है उतनी. यस सर. ठीक है, यानी पासेस लगे हमारे वी. अब ध्यान से देखो, हर पास में हो क्या रहा है, हम डिक्रीज की ऑपरेशन लगा रहे हैं सारी सारी एजेस पे कि नहीं? यस सर. अब एक एज पे डिक्रीज की ऑपरेशन, एरे में डिक्रीज की ऑपरेशन कितना टाइम लेगा? कांस्टेंट, अपडेटेड तो करनी है वैल्यू. अरे आप क्या कर रहे हो कि सपोज a of 2 को आप क्या कर रहे हो कि सपोज पहले था 10, आपने इसको कर दिया 5, कांस्टेंट टाइम. यस सर. तो एक डिक्रीज की ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम, कितने डिक्रीज की ऑपरेशन हो रहे हैं एक पास में, जितनी एजेस हैं उतनी, यानी कि ऑर्डर ऑफ वी टाइम. अब ये ऑर्डर ऑफ वी कितनी बार, जितने पासेस उतनी बार, तो ऑर्डर ऑफ वी. और अगर ग्राफ कंप्लीट हो गया तो ई हमारा क्या हो जाएगा, वी सी टू, मैक्सिमम एजेस हो जाएंगी. वी सी टू मतलब ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इंटू वी ऑर्डर ऑफ वी क्यूब. ओके सर. और ये भी लिखवाऊंगा. ये लिख लिया.
हो गया। चलो लिखिए, रिलैक्सेशन एट ऑल वर्टिसेस इक्वल्स, रिलैक्सेशन एट ऑल वर्टिसेस इक्वल्स डिक्रीज की ऑपरेशन एट ऑल एजेस, इक्वल्स डिक्रीज की ऑपरेशन एट ऑल एजेस, इक्वल्स डिक्रीज की ऑपरेशन एट ऑल एजेस। हो गया? Yes, sir. Next, in array decrease की operation, in array decrease की operation, in array decrease की operation on one element takes in array decrease की operation on one element takes constant time for e elements implies करके कर लेना order of e time। हो गया? यस सर। यस सर। लिखिए नोट। इफ द ग्राफ कंटेन पॉजिटिव एज वेट, इफ द ग्राफ कंटेन ओनली पॉजिटिव एज वेट्स Dijkstra's algo will always give correct answer. But if the graph contain negative edge weights, Dijkstra's algo may give wrong answer. Dijkstra's algo may give wrong answer. Because of this reason, we go to Bellman-Ford algo. Because of this reason, we go to Bellman-Ford algo. Next, if the graph contain negative edge weight cycle, Dijkstra algo will always fail. Dijkstra algo will always fail.
हो गया ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर पॉजिटिव एजुएट है डैश का आंसर हमेशा करेक्ट होगा ठीक है, अगर नेगेटिव एजुएट है लेकिन साइकिल नहीं है तो डैश का आंसर मे और मे नॉट भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव एजुएट साइकिल है हमेशा ही गलत होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जबकि बेलमैन फोर्ड की बात करूं तो अगर पॉजिटिव एजुएट है हमेशा करेक्ट, नेगेटिव एजुएट है और साइकिल नहीं है तब भी हमेशा करेक्ट, अगर नेगेटिव एजुएट साइकिल है तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्टिसेस पार्टिसिपेट कर रही है नेगेटिव एजुएट साइकिल में और या फिर जिन पे इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, उधर पे तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो बेलमैन फोर्ड ये भी बताएगा कि कौन सी वर्टिसेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है उनका आंसर पॉसिबल नहीं है और जिस पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उनका करेक्ट आंसर भी देगा। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। कैसे तो एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से। से नेगेटिव एजुएट साइकिल है हो गई कि नहीं हो गई? अरे देखो 50 और माइनस 60। यस सर। यस सर। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैन्युअली सोर्स मैंने दे दिया कि क्या है ए टू ए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो लो इनफाइनाइट नल, फिर सोर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी जीरो, पेरेंटेज नल। ठीक है, सबसे पहले तो मैन्युअली बताइए जरा ए टू ए मिनिमम कॉस्ट जीरो, ए टू बी मिनिमम कॉस्ट मैन्युअली टेन, अरे माइनस इनफाइनाइट क्या कर रहे हो, 10 फिर 60 फिर माइनस 60 जीरो हो गई, फिर 50 फिर माइनस 10 माइनस 20 एंड सो ऑन। यस सर। मैन्युअली भी आंसर गलत आ रहा है, मतलब हद ही हो गई। अरे परमानेंट 10 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। परसेंट घूमता ही रहेगा इधर। अरे नहीं सर, एक बार बी पे पहुंच गए फिर आगे जाने की सोचेंगे। बेटा अपने आप को अज्यूम किया करो और मनी को अज्यूम किया करो, देखो अपने आप आंसर करेक्ट आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये मुझे पता है, मैं कितना भी बोलूंगा आप सबके सब मनी ओरिएंटेड हो, उसका परफेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ कि सुनिए ध्यान से। आप में से बहुत लोगों का मैंने इतनी क्लासों में रियलाइज कर लिया कि नेट परफेक्टली वर्क नहीं करता है, ऐसा है कि नहीं? यस सर। अब सोचो ध्यान से, आप लोग इतने लकी हो कि आप लोगों को गेट की क्लासेस इनबिल्ट कॉलेज में ही हो रही है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिसका परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है इंटरनेट, वो दूसरी सिम लेके नेट का यूज नहीं कर रहा है। शायद से मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था, जब रियलाइज किया था कि आप लोग आप में से सबका इंटरनेट परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्लास में बोला था कि नहीं बोला था? yes, कि जूम ज्यादा डेटा लेते ही नहीं है, एक नॉर्मल सिम ले लोगे, ब्रॉडबैंड की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो पर्सन सिम नहीं ले पा रहा है। ठीक है, और इस चीज ऐसी तो मुझे भूल के भी कोई रीजनिंग मत दे देना कि सर हम सिम अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पता उससे गंदा तो कोई एक्सक्यूज होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली अब अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस चीज को कम से कम इनबिल्ड करो, तुरंत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, मेरी क्लास तो हो गई एल्गोरिथम, लेकिन अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके होने बाकी हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो चीज आपको मिल रही है उसकी वर्थ करो, उसको वेस्ट मत करो। अगर आपका नेट परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, आप फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है, वो फ्रॉड होता ही इसलिए क्योंकि उधर पे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर आपके सिम लेने की वजह से वो फ्रॉड एलिमिनेट हो सकता है तो मेरे ख्याल में वर्थ है सिम लेना। गलत बोल रहा हूं मैं?
नो सर। तो खुद ये चीज सोचना कि फर्स्ट क्लास में एक चीज बोलता चला आ रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं बोलता हूँ शायद ही है कि बहुत ही कम ऐसे फैकल्टी होंगे जो इतने ही ये चीजें बोलेंगे आपसे। कितने फैकल्टी बोलते हैं आपसे ये सारी चीजें पढ़ाई से हटके, आप ही बताइए मुझे कितने लोग बोलते हैं ये सारी चीजें? नहीं बोलते सर। सर कोई नहीं बोलता। बता दे रहा हूँ बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल का मतलब समझते हो आप? आपको समझ में आए ना आए, आप पढ़ो ना पढ़ो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होना, कि स्ट्रिक्ट ने अपने प्रोफेशन के ऊपर कि जितना टाइम अलॉट हुआ है उतने ही टाइम में पढ़ाएंगे, एक सिलेबस हो ना हो, क्योंकि गलती आपके कॉलेज के मैनेजमेंट की, पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा है। मैं हाईली अनप्रोफेशनल हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज मीन करता हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ समझ में आना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो चीज प्रोफेशनलिज्म हो रही है आप खुद क्यों प्रोफेशनल बन रहे हो। और आपकी जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट है जो ये वर्बल कम्युनिकेशन ये नेट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, खुद सोचना बेटा कि आपको क्या चीज का एडवांटेज मिल रहा है और क्या अपनी छोटी सी, कई लोग तो सिम का इश्यू नहीं, कई लोग तो लेजीनेस के चक्कर में ये काम नहीं कर रहे, कौन सिम लेने जाए। सिम लेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो एनर्जी लगेगी, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। तो इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आप अपनी लाइफ के लिए सिंसियर नहीं हुए ना तो बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप फ्यूचर में किसी को एक्सक्यूज दोगे ना कि ये रीजन थे वो रीजन थे, या तो वो पर्सन सुनेगा नहीं, और वो सुनेगा तो अंदर ही अंदर आपको बेवकूफ बोल रहा होगा। जी सर। क्योंकि फेलियर्स के पास हमेशा रीजन होते हैं, ठीक है ना। हेलो। यस सर। तो ये सारी की सारी चीजें माइंड में रखोगे ना तो मैं बता दे रहा हूँ विद इन 6 months आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। देखो जानते तो देखिए रहता से तो मैन्युअली अगर मैं बात करूँ, वो देखो बोला मैंने वो, अरे तान्या देखो ध्यान से, देखो तो मैंने आपसे बोला कॉस्ट की बात की, तो देखो ध्यान से बी की कॉस्ट आपकी माइनस इनफिनिट है। क्यों माइनस इनफिनिट है? ये नेगेटिव एजुएट साइकिल है और ये दोनों तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बी और सी, और डी पे उसका इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से एक कर करके दिखाऊं, ठीक है। तो कह सकता हूं इन तीनों वर्टिसेस की कॉस्ट हमारी माइनस इनफिनिट होगी कि नहीं होगी। माइनस इनफिनिट मतलब कोई मतलब कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, क्लियर है? यस सर। देखो अगर मैं डायस्टा से स्पीड में निकाल देता हूँ, कर तो लोगे ही आप। यस सर। देखो अगर डायस्टा से निकालता हूँ तो इसकी कॉस्ट तो जीरो ही आएगी, फिर ये कॉस्ट क्या हो जाएगी 10, यानी कि इसकी कॉस्ट 10 आ जाएगी और ये डिलीट हो जाएगा, फिर इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 60, ये डिलीट हो जाएगा, फिर इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 130, ये भी डिलीट हो जाएगा। यस सर। यानी कि डायस्टा का आंसर इन तीनों ही के लिए गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो अब मैं बेलमैन फोर्ड की बात करता हूँ, तो देखो ध्यान से, जल्दी से ये सब बना लो। फोर वर्टिसेस हैं, यानी कि मैक्सिमम पासेस कितने होंगे 4। ये किसके लिए? फॉर वेरिफिकेशन, क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो जरा ध्यान से, देखिए ये सब रब कर दूं ना, ये सब तो लिख लिया। यस सर कर दीजिए। यस सर। चलो देखो ध्यान से नाउ, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एजेस की मार्किंग करनी है। जल्दी से बता दो मार्किंग कैसे करूं, एज नंबर 1 किसको दूं? अब तो जो मर्जी करना है वो कर दो। -60 हो गया 1। हाँ 2 बोलो। 70। 3 बोलो। 10। 10। चलो देखते हैं दंती।
पास नंबर वन, सारी सारी एजेस को रिलैक्स करना है तो देखो इनफाइनाइट पास एज नंबर वन इनफाइनाइट माइनस 60 इनफाइनाइट कोई इशू नहीं, एज नंबर टू इनफाइनाइट प्लस 70 इनफाइनाइट कोई इशू नहीं, एज नंबर थ्री जीरो प्लस 10 10 यानी कि ये क्या आ गई हमारी 10 फ्रॉम ए, कोई डाउट? नो सर. बट देखिए 10 प्लस 50 60 60 फ्रॉम बी, कोई डाउट? नो सर. तो अपडेटेड वैल्यू क्या आई हमारी, जीरो नल बी की वैल्यू 10 फ्रॉम ए, सी की वैल्यू सिक्सटी फ्रॉम बी, डी की वैल्यू इनफाइनाइट नल. क्लियर? Yes, sir. चलो पास नंबर टू 60 प्लस 70 130 फ्रॉम सी. नाउ एज, अरे ये क्या कर रहा हूँ अभी, नहीं एज नंबर वन होगी ना, एज नंबर वन कहाँ है ये देखना, 60 माइनस 60 जीरो, तो ये कॉस्ट क्या आ गई हमारी जीरो फ्रॉम सी. क्लियर है? Yes, sir. एज नंबर टू देखिए 60 प्लस 70 130 फ्रॉम सी. एज नंबर थ्री जीरो प्लस 10 10 इज 10 लेस देन जीरो, जीरो नो. एज नंबर फोर, एज नंबर फोर जीरो प्लस 50 50 इज 50 लेस देन 60, यस, तो 50 फ्रॉम बी. तो अब क्या आ गया हमारा जीरो नल. बी की कॉस्ट बताइए, बी की कॉस्ट क्या है हमारी, बी की जीरो फ्रॉम सी, सी की कॉस्ट 50 फ्रॉम बी, डी की कॉस्ट 130 फ्रॉम सी. देखिए वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई. यस सर. यस सर. एज नंबर वन 50 माइनस 60 माइनस 10 आ गया कि नहीं. एज नंबर टू 50 प्लस 70 120 आ गया कि नहीं. यस सर. एज नंबर थ्री 0 प्लस 10 कोई अपडेशन नहीं. एज नंबर फोर माइनस 10 प्लस 50 यानी कि 50 आ गया कि नहीं. यस सर. देखिए फिर से अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10 फ्रॉम सी, 40 फ्रॉम बी, 120 फ्रॉम सी. देखो आ गई कि नहीं आ गई. यस सर. वैल्यू चेंज हुई. फिर से नेक्स्ट पास, नेक्स्ट पास देखिए एज नंबर 1 40 माइनस 60 यानी कि माइनस 20, एज नंबर 2 40 प्लस 70 110. यस सर. एज नंबर 3 0 प्लस 10 कोई अपडेशन नहीं. एज नंबर 4 माइनस 20 प्लस 50. क्लियर है? यस सर. यस सर. देखिए ध्यान से, ये आ गया माइनस 20 30 110. देखिए ध्यान से वेरिफिकेशन राउंड में भी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई. यस सर. वेरिफिकेशन राउंड में वैल्यू चेंज हुई, किस किस की वैल्यू चेंज हुई, इन तीनों की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि इन तीनों की मिनिमम कॉस्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इन तीनों की कॉस्ट क्या होगी, इन तीनों पे नेगेटिव एजुएट साइकिल का इंपैक्ट आ रहा है, तो इन तीनों की कॉस्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी पार्टिसिपेट कर रही है नेगेटिव एजुएट साइकिल में, और ए की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी हमारी 10 होगी. क्लियर है? यस सर. ये जल्दी से बनाइए पहले. हो गया? यस सर. लिखिए इधर पे, हियर इन वेरिफिकेशन राउंड, हियर इन वेरिफिकेशन राउंड वैल्यू इज चेंजिंग मींस हियर इन वेरिफिकेशन राउंड value is changing means negative edge weight cycle is there, means negative edge weight cycle is there.
नेगेटिव एज वेट साइकिल इज देयर. लिखिए यहाँ पे किस किस की वैल्यू चेंज हो रही है. देखो ध्यान से, बी सी और डी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं. यस सर. यस सर. बी कॉमा सी कॉमा डी चेंजेस चेंजेस मींस मींस दे आर पार्ट ऑफ नेगेटिव एज वेट साइकिल. Means they are part of negative edge weight cycle. फिर से बोल रहा हूँ, part of negative edge weight cycle का मतलब क्या है? या तो वो negative edge weight cycle का part है, या फिर negative edge weight cycle का उनके ऊपर impact आ रहा है. Yes sir. No. फिर लिखिए, Bellman-Ford algo will compute. You note Bellman-Ford algo will compute shortest path. From the given source, will compute shortest path from the given source to every vertex, even though graph contain Bellman-Ford algo will compute shortest path from the given source to every vertex. Bellman-Ford algo will compute shortest path from the given source to every vertex, even though graph contain positive edge weights or negative edge weights. Even though graph contain positive edge weights or negative edge weights. लिखा? Yes, sir, लिख लिया. अब मुझे ये बताओ जरा, सबसे पहला जो मैंने ग्राफ बनाया था, सबसे पहला आज की क्लास की स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाया था, एक पार्ट इधर पे, एक पार्ट इधर पे नेगेटिव एज वेट साइकिल बनाई थी मैंने. डिटेक्ट करके बताओ Bellman-Ford से कभी भी डिटेक्ट कर पाएगी वो. अरे वैल्यू तो तब चेंज होगी ना जब आप इनिशियल से पहुंचोगे उधर पे. जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटी रहेगी. यस सर. तो कह सकते हो कि डिटेक्ट कर सकती है जब वो रीचेबल हो सोर्स से. यस सर. देखो इतना डिटेल में पढ़ाने का मतलब क्या, मैंने क्या बोला, बहुत सोच समझ के बोला करो. इधर पे डिटेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह डिटेक्ट कर लेगी. अगर रीचेबल ही नहीं है, लो मैंने इधर पे एक नेगेटिव एज वेट साइकिल बना दी, ई एफ जी -50 -100 लो -200 सारे नेगेटिव एज वेट दे दिए. देखो ध्यान से, ये नेगेटिव एज वेट साइकिल है कि नहीं. अब ये पूरा ग्राफ मैंने बोल दिया कि ये एक ही ग्राफ है. अब डिटेक्ट हो जाएगी ये नेगेटिव एज वेट साइकिल. ध्यान से देखो, जब आप मिनिट में करोगे ए वो एरे में करोगे ई एफ जी, ये हमेशा परमानेंट इनफाइनाइटी चलेंगे एंड तक. यस सर. यानी कि वो तभी डिटेक्ट कर सकती है जब वो रीचेबल होनी चाहिए. अगर रीचेबल है तो 100% डिटेक्ट कर लेगी, लेकिन अगर रीचेबल ही नहीं है तो क्या डिटेक्ट कर पाएगी? नो सर. लेकिन सर ये छोटे छोटे पॉइंट, यही कंसेप्ट चेक करते हैं. ये डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन आया था. लिखिए, Bellman-Ford algo computes negative edge weight cycle. Bellman-Ford algo computes negative edge weight cycles if they are reachable from source. If they are reachable from source. एक पॉइंट और लिखिए, फिर बताता हूं आपको लास्ट पॉइंट. इन द गिवन अनवेटेड ग्राफ फ्रॉम द गिवन सोर्स वी कैन फाइंड आउट shortest path using BFT, मतलब breadth first traversal.
डीएस में पढ़ोगे आप, अगर हो सकता है पढ़ भी लिया हो, ग्राफ ट्रेवर्सल। अब ध्यान से सुनिएगा, दिखाइए फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग बीएफटी ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। अरे डीएफटी बीएफटी पढ़ा है ना? बीएफटी बेसिकली हमारा ग्राफ ट्रेवर्सल है, लेकिन देखो ध्यान से मैंने क्या बोला है, अनवेटेड ग्राफ। अगर ग्राफ हमारा अनवेटेड है, अगर एज वेट गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम उनकी उनका वेट क्या ले लेते हैं, वन। हेलो, यस सर, ध्यान सुनो, यस सर, वेट हमारे गिवन नहीं है, तो किसी भी सोर्स से अगर आप निकालोगे कॉस्ट किसी भी वर्टेक्स की, तो क्या मैं कह सकता हूँ वो क्या होगी, नंबर ऑफ एजेस होंगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब using BFT हम number of edges तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये हमारा तभी work करेगा जब graph हमारा या तो unweighted हो, या फिर मैं कह सकता हूँ edge weight अगर हो तो सारी edge weight same हो। Yes, sir. तो कह सकता हूँ best है हमारा BFT, लेकिन उसकी limitation सबसे ज्यादा है कि edge weight या तो सारी की सारी edge weight सबकी क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए। Yes, sir. BFT की time complexity क्या होती है, graph traversal की time complexity क्या होती है, order of v plus e। Yes, sir. पढ़ा है ना डीएफटी बीएफटी? हेलो हेलो, यस सर। ना अब देखिए ना, इसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, फिर हम अगर ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर ग्राफ में केवल पॉजिटिव एज वेट है तो हम कहां जाते हैं, डायस्ट्रा पे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ईलॉग बी। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर ग्राफ में निगेटिव एज वेट्स हैं तो हम किसको यूज करेंगे, बेलमैन फोर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीई। Yes, sir. क्लियर सबको बोलो। हेलो, पूछा किसी ने कुछ? हेलो, यस सर। अरे किसी ने कुछ पूछा था? नो सर। नो सर। ना अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपसे क्या बोला कि हाँ, बेलमैन फोर्ड की अगर बात करूं, अगर आपने ध्यान से विजुलाइज किया होगा तो ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है। इधर पे मिनिमम देख रहे थे कि सारी की सारी एजेस को रिलैक्स कर रहे थे, इसका मतलब वी आर कवरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी। यस सर। इसीलिए ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है। अब ये आपको उधर पे मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये डायक्शा के ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। यस सर। क्लियर? अब हेडिंग डालिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डाली हेडिंग। हेलो। यस सर। मैं बोलना क्यों बंद कर दिया था? बोलना नहीं सर, आपका कनेक्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। यार मुझे तो होस्ट ही से गायब कर दिया गया है। आप शायद निकल गए थे फिर। अरे बेटा मैं क्यों निकलूंगा, मतलब आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। माधवी इज द होस्ट, उससे ले लीजिए होस्ट। माधवी जल्दी से होस्ट बनाओ, मैंने सर को फालतू ही में कॉल कर दी।
तब तक देखो तो फोटो मिल गई है ना सबको। यस सर। यस सर। फोटो में कुछ भी नहीं है, वही है जो आपको पहले बताया मैंने। तो जल्दी से फोटो में जो कुछ भी है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए मैंने कहा कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। हेलो हेलो। यस सर। सर यार बोलना क्यों बंद कर देते हो? देखो दादे सबसे पहले जल्दी से बता देता हूँ, एल्गोरिथम डिजाइन करने की लास्ट टेक्निक जो हमारे सिलेबस में वो क्या है, हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जल्दी से सुन लीजिएगा उसके बाद में लिखिएगा। सुनिए दादे, लास्ट टेक्निक सिलेबस में है वो हमारी कौन सी है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? म्यूट कर दिया आपने? म्यूट कर दिया सर? आ रही है सर। क्या म्यूट कर दिया मैंने? सर आ तो रही है सर आवाज, पता नहीं क्या है। सुनिए ध्यान से, एल्गोरिथम डिजाइन करने की जो लास्ट टेक्निक है हमारे सिलेबस में वो क्या है? हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब सुनिए ध्यान से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, ग्रीडी का आंसर कभी हो सकता है करेक्ट है, हो सकता है रॉन्ग है, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम ही इतना अच्छा है क्या? डायनेमिक, यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आंसर हमेशा ही करेक्ट आएगा। वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्यों? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? हमारी ब्रूट फोर्स है, कवरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी एक्जैक्टली ब्रूट फोर्स नहीं है, हमारी ऑलमोस्ट ब्रूट फोर्स है। क्यों? ये रिपीटेड पॉसिबिलिटी को कंप्यूट नहीं करती है, क्योंकि नेचर में मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम हमारी कैसी होती है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल क्या होती है? हमारी रिपीटेड होती है, बहुत कम फंक्शन कॉल होती है जो हमारी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी किस लॉजिक पे वर्क करती है? व्हाट इज द नीड ऑफ सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन? वो क्या कहती है कि डिस्टिंक्ट सब प्रॉब्लम को कंप्यूट करो, उनके रिजल्ट को कहीं स्टोर करो, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको कंप्यूट ना करे, डायरेक्टली स्टोर्ड वैल्यू को देखे और रिट्रीव कर दे आंसर। क्लियर है? तो अगर मैं का कंपैरिजन करूं तो ग्रीडी का आंसर मे और मे नॉट बी करेक्ट, जबकि डायनेमिक का हमेशा करेक्ट। ग्रीडी क्या है? लालची टेक्निक। इसलिए क्या लेती है? लेस टाइम लेती है, जबकि डायनेमिक क्या लेती है? आपका ज्यादा टाइम लेती है। ग्रीडी कम टाइम क्यों लेती है? क्योंकि वो लेती है वन डिसीजन एट ए टाइम, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीक्वेंस ऑफ डिसीजन लेती है। ग्रीडी की अगर मैं बात करूं तो लेस पॉसिबिलिटी कवर करती है, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग सारी की सारी पॉसिबिलिटी कवर करती है। यस सर। यस सर। सबको? यस सर। तो जल्दी से जो भी आपको फोटो में मैंने भेजा है वो एज इट इज, उठा के कॉपी कर लीजिए, ठीक है? और यही सब मैंने बताया है, दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ठीक है? उसमें कोई भी डाउट आए तो वो पूछिएगा मुझसे, ठीक है? हेलो। ठीक है सर। मैं एक फोटो और भेज दे रहा हूँ आपको। देखिए ध्यान से, मैंने डायनेमिक के एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, तो ये एप्लीकेशन अब आप इसलिए रख लीजिएगा कि सपोज मैच द फॉलोइंग में अगर आ जाए, ठीक है ना? यस सर। अरे सर वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा नेट चला गया था, कोई दूसरा स्टूडेंट होस्ट बन गया था, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होस्ट आप ही ने डिसेबल कर दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, हो गया है। हाँ हाँ, हो गया। चलिए देखिए, दो फोटो मैंने भेज दिए आपको। हेलो। ठीक है, ये दोनों फोटो अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, और अभी टाइम हो रहा है आपका 3:17 हो रहा है, तो 3:35 PM मिलते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, मैं इधर ही पे हूँ, बस म्यूट कर रहा हूँ। प्लीज शेयर इन ग्रुप। अरे सुरभि कर तो दिया है, कितनी बार शेयर करूं? सुनिए, इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लिए, 3:35 पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है? आप लोग लंच कर चुके हो ना? यस सर, हो गया। यस सर। 3:35 पे मिलते हैं, नोट डाउन कर लिए।
डन हेलो हो गया सर। जल्दी से बताइए जरा जो मैंने नोट्स भेजे उसमें किसी को कोई भी डाउट बोलो जल्दी से। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ सुनीदान से मैं पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूँ। जो पहला एग्जांपल है मैंने क्या बोला है उधर पे कि अगर ए से ई पे मिनिमम कॉस्ट मुझे चाहिए है ठीक है तो ए से ई पे मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी वाया बी और सी और डी। अगर मैं ग्रीडी से सेम आंसर बोलूंगा तो ग्रीडी क्या बोलेगा कि वाया बी जाओ क्यों जाओ क्योंकि कॉस्ट क्या है 10 है जबकि रियलिटी में क्या वो आंसर करेक्ट है नहीं। लेकिन अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पूछता तो वो क्या करता 10 प्लस जो भी है 1 लाख प्लस को कंपेयर करता 20 प्लस 50 को कंपेयर करता 30 प्लस 5 के साथ और बोल देता वाया डी इज मिनिमम। यस सर। तो कहने का मतलब है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आंसर करेक्ट आएगा जबकि ग्रीडी का आंसर गलत आ रहा है। ग्रीडी का आंसर गलत क्यों आ रहा है क्योंकि वो केवल एक ही केस देख रहा है। क्यों वो लालची टेक्निक है उसने मिनिमम देखा उधर से आंसर दे दिया। ग्रीडी का आंसर लेकिन आएगा जल्दी क्यों वो केवल पहली को 10 20 30 को कंपेयर करके बता देगा लेकिन उसका आंसर मे और मे नॉट बी करेक्ट आएगा। कह सकता हूं हाई पॉसिबिलिटी है ग्रीडी का आंसर सही आए कि अगर पहली मिनिमम लग गया तो इफेक्टिवली ओवरऑल हाई पॉसिबिलिटी की उधरी से मिनिमम आएगा लेकिन क्या 100% है। हेलो अरे क्या कर रहे हो हेलो यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। तो सुनिए ध्यान से ग्रीडी की पॉसिबिलिटी हाई है कि उसका आंसर सही होगा लेकिन क्या 100% नहीं तो ग्रीडी का आंसर मे और मे नॉट बी करेक्ट जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आंसर ऑलवेज करेक्ट। यस सर। तो कैसे yes, यही मैंने आपको लिखवाया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग विल ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर व्हाइल ग्रीडी मे नॉट बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्स मोर टाइम सिंस इट कवर्स ऑल पॉसिबिलिटी ग्रीडी टेक्स लेस टाइम सिंस इट डज शॉर्टकट बाय सीइंग फर्स्ट आउटपुट ओनली। यस सर। Now, next example, मैंने क्या लिखवाया कि suppose B.Tech में 3 स्टूडेंट हैं ABC, first year में उनके percent, second year में उनके percent, third year में उनके percent, fourth year में उनके percent. अगर ग्रीडी से पूछा गया कौन है टॉपर तो फर्स्ट ईयर का देख के ही बोल देगा कि A is टॉपर। Yes, sir. जबकि क्या ये करेक्ट है। Yes, sir. टॉपर तो वो होगा जो क्यूमुलेटिवली चारों ईयर का एवरेज टॉप करे। Yes, sir. कह सकता हूँ ग्रीडी का आंसर अरे वही सेम एग्जाम्पल मे और मे नॉट बी करेक्ट। Yes, sir. That's why greedy takes less time but may give wrong answer. Clear? Yes, sir.
यस सर यस सर वो चारों पॉइंट जो आपसे तीन चार बार बता चुका हूँ ग्रीडी और डायनेमिक की कंपैरिजन के बीच में वो देख लिए यस सर वेरी ग्रीडी टेक्निक सॉल्व्स ओनली सम प्रॉब्लम्स बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स क्यों वो सारी पॉसिबिलिटी कवर करती है सारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी Yes, sir. Yes, sir. Dynamic programming is like brute force, but it is not exactly brute force. It is intelligently brute force. That is, does not compute repeated possibilities. Clear? Yes, sir. So, applications of DP. Yes, sir. ये आपके applications हैं. इसमें आपके standard, non-standard सारे के सारे application मैंने लिख दिए. जितने भी हमारे common applications हैं, तो match the following में आए, तो ये आपको पता होने चाहिए. Clear है? Yes, sir. Now, आपके स्टैंडर्ड कौन कौन से फिबनाकी फिबनाकी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एंड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो हम करेंगे क्लियर यस सर चलिए तो हेडिंग डाल ली फिबनाकी सीरीज नाउ सुनी ना थी इस क्लास में ऐसा कोई तो नहीं है जिसने फिबनाकी सीरीज की क्लास स्किप की थी जब मैंने पहली बार कराया था फिबनाकी जल्दी बोल दो कोई ऐसा है क्या यस सर कौन हो क्या नाम है केतन केतन अब तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको सुनिए ना थी कि फिबनाकी सीरीज में पहले ही करा चुका हूँ केतन कितनी क्लास स्किप की है हेलो सर बहुत बहुत स्किप किए फिर बेटा क्यों इधर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो कितना आपको समझ में आ रही है एल्गोरिथम यस सर अभी की रियलिटी बोलूं केतन बुरा लगेगा आपको बेटा आप डेंजर मोड पे आ गए हो आपको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है जबकि रियलिटी में आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं हो रही और वो हो भी नहीं सकती अब मैं क्यों बोल रहा हूँ डेंजर मोड पे क्योंकि अभी आपको चीजें समझ में आ रही हैं गेट में क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट करोगे और हाई प्रोबेबिलिटी के आप -2/3 लेके आओगे अब आप अटेम्प्ट क्यों करोगे क्योंकि आपके माइंड में है सबकॉन्शियस माइंड में कि आपने एल्गोरिथम पढ़ी है लेकिन जैसे ही उधर पे क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं वो ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपके कंसेप्ट वीक होंगे तो आप हाई प्रोबेबिलिटी के -2/3 लेके आ जाओगे जो मैं परमानेंट बोलता हूँ कि अगर सब्जेक्ट छोड़ो तो पूरा का पूरा छोड़ो अगर करो तो अच्छे से करो क्योंकि गेट में कभी ओवरव्यू नहीं आने वाला है ओके सर कोशिश करना अपने कॉलेज में मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना कि वो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग आपको दे दे नहीं तो क्या करेंगे रिकॉर्डिंग का ओके सर चलो देखो ध्यान से जल्दी से बाकी लोग जितने लोगों ने फिबनाकी सीरीज की है जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो उठा के जल्दी से उसे रिवाइज करो चलो लो केतन मैं उसकी भी फोटो भेज देता हूँ आपको क्योंकि आपने तो वो क्लास ही नहीं की है क्या ही बोलूं मैं और ये चीज केतन मत किया करो मुझे ये बताओ जरा केतन क्या आपके किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर हैं बोलो केतन यस सर क्या आपके किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर हैं सब कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं टॉपिक नहीं मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ नो सर तो जब बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक की क्लास कैसे आप स्किप करना अफोर्ड कर सकते हो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज आपकी बहुत अच्छी है कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ आपके बेसिक क्लियर नहीं है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता है कि उनके बेसिक क्लियर हैं जबकि होते किसी के नहीं है ठीक है ओके सर से ट्राई कर रहा हूं पता है डेंजर मोड में हूं बहुत अरे तो बेटा ये इतनी डेंजरस चीजें करने का माइंड में कहां से आता है कि बेसिक की क्लास चल रही है स्किप कर दो
चलो कम से कम एक चीज अच्छी है कि आप सारे के सारे एक ही कॉलेज के हो, अपने किसी फ्रेंड से ये चीजें समझ लेना जो जो क्लास आपकी स्किप हुई है, ठीक है ना। देखिए गाइस जो मैंने फोटो भेजी हैं ये सारा का सारा देखो आपकी नोटबुक में पहले ही लिखवा चुका हूँ, दिख रहा है? यस सर। चलो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, जितने लोग ने नहीं लगाई थी फिबोनाची की क्लास उन्हें भी क्लियर हो जाए, और जितने लोगों ने लगाई थी उन्हें जल्दी से अप टू डेट वो तुरंत आ जाए एकदम में। देखिए सबसे पहले देखिए फोटो नंबर वन से स्टार्ट करता हूँ, जितने लोगों ने क्लास नहीं लगाई है फोटो को फॉलो करिएगा, सेम है जो मैंने नोटबुक में लिखवाया बाकी लोगों के। फिबोनाची सीरीज देखिए ध्यान से, फिबोनाची सीरीज में कोई डाउट जो सबसे ऊपर लिखी हुई है? अरे अगर n की वैल्यू 0 तो फिबोनाची ऑफ n क्या होता है? 0, n की वैल्यू 1 तो 1, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो क्या होता है? सम ऑफ प्रीवियस टू फिबोनाची नंबर्स। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं रेकरेंस रिलेशन बोलूं फिबोनाची सीरीज की क्या होगी? n 0 तो 0, n 1 तो 1, अगर n ग्रेटर देन 1 तो सम ऑफ प्रीवियस टू फिबोनाची नंबर्स, मतलब फिबोनाची n - 1 प्लस फिबोनाची n - 2, बोलो कोई डाउट? No, sir. चलो देखो no, अगर मैं recursive program बोलूं तो क्या होगा? फिबोनाची n if n equal to 0 return 0 else if n equal to 1 return 1, क्योंकि ये दोनों termination condition है, else फिबोनाची n minus 1 compute करो, फिबोनाची n minus 2 compute करो, c equals a plus b कर दो, return c कर दो, कोई doubt? No, sir. recursive tree उसका बनाओगे उसके just नीचे देखो जो फोटो के नीचे है वही ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखो ये सारी चीजें repeat, yes, sir. सब आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये तो नॉर्मल फिबोनाची सीरीज बोल रहा हूँ, अभी तो डीपी आई ही नहीं। अरे क्लियर है? यस सर। अब देखिए रतन से, तो मैंने आपसे बोला कि अगर रिकर्सिव ट्री में देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन मीन्स एन एन लेवल ट्री बनेगा। अरे एन माइनस वन मीन्स व्हाट? एन बाई वन विच इज नंबर ऑफ एन। नाउ अगर राइट हैंड साइड करूं तो राइट हैंड साइड माइनस टू हो रहा है, यानी कि एन बाई टू लेवल का बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अब सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि प्रॉब्लम साइज था n, टाइम कितना लगा? t of n। मैंने आपसे बोला tn बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कंप्यूट फिबोनाची ऑफ n, क्लियर? हेलो, यस सर। तो मैं रेड मार्कर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, टर्मिनेशन कंडीशन विल टेक हाउ मच टाइम कांस्टेंट? हेलो, यस सर। So if n equal to 0, return 0, constant time. n equal to 1, return 1, constant time. कोई doubt? No, sir. अब मैंने आपसे बोला कि अगर problem size था n, तो time कितना लग रहा था? T of n. देखो ध्यान से, जो else part में, फिबोनाची n minus 1 में कितना time लगेगा? T of n minus 1. केवल yes, sir. कितना भी? फिर फिबोनाची n minus 2 में T of n minus 2? Yes, sir. Addition में कितना time लगेगा? Constant, return statement, constant, overall constant. Clear? Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या लिखा? T of n क्या आ जाएगा? हमारा main condition क्या आ जाएगी? T of n minus 1 plus T of n minus 2 plus C. दिख रहा है black pen से? Yes, sir. तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने right hand side को, वो क्या था? Problem size time, कितना time लगा? मुझे नहीं पता कितना time लगा. Using constant time, problem, दो सब problem में convert हो रही है. एक का size है n minus 1, एक का size है n minus 2. अब मैंने क्या बोला? जिसका size n minus 2 है, उसका भी size मैंने n minus 1 बना दिया. तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड 2tn minus 1 plus c बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चीज करना अलाउड है? नहीं, तो कह सकता हूँ t of n जो भी होगा वो इससे छोटा होगा, छोटा होगा तो less than equal to होगा. Yes, sir. अब less than equal to, yes, sir. Less than equal to होता क्या है? हमारा अपर बाउंड. तो देखिए ध्यान से, इसको मैं बोलूंगा क्या? प्रॉब्लम साइज टाइम कितना टाइम लगा? मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा. यूजिंग कॉन्स्टेंट टाइम, प्रॉब्लम दो सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है. हर एक का साइज n minus 1. Yes, sir. एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, बाइनरी ट्री बनेगा. कितने लेवल का बाइनरी ट्री बनेगा? n n minus 1 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि n लेवल का बाइनरी ट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? कह सकता हूं अपर बाउंड में n लेवल का कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा. तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हमारी 2 पावर n होगी, तो हमने अभी देखा था हीप में. यस सर. तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल होगी 2 पावर n, और वो फंक्शन कॉल कॉस्ट कितनी गिवन है? कांस्टेंट. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 पावर n हो गई कि नहीं हो गई? कांस्टेंट. यस सर. यस सर. तो अब मैंने आपको लॉजिकली बोला, मैंने ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिकली कैसे निकाली, ये फिर से आपको क्यों बताया है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था तब आपको मिनी पे और मैक्सिप नहीं बताया था, कंप्लीट बाइनरी नहीं बताया था.
ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है ना नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्ड टू पावर एन कैसे चली जाती है। यस सर। चलो अब सुनो, जैसे अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो अगर रिकर्सिव प्रोग्राम में देखोगे तो राइट हैंड साइड दो फंक्शन कॉल है। अगर रेकरेंस रिलेशन में देखोगे क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू है कि नहीं, मतलब राइट हैंड साइड दो फंक्शन कॉल है। यस सर। तो बाइनरी ट्री बन रहा है, अगर तीन होती तो टर्नरी होता, अगर एन होती तो एनरी होता। यस सर। देखिए ध्यान से जो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा है ऊपर, हियर इन रिकर्सिव प्रोग्राम टू फंक्शन कॉल्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी गेट बाइनरी ट्री। If in program three function calls, then we get ternary tree. If n function calls, then nary tree. Clear? Yes, sir. Clear. Now complete binary tree का मतलब क्या होता है? Informally बोलूँ तो क्या बोलूँगा? No gap at all. Yes, sir. ठीक है? तो ध्यान से देखिए, probability of n क्या generate कर रहा है? N level complete binary tree upper bound में, जो मैंने first page पे आपको red pen से दिखाया, assume available. क्यों? क्या complete binary tree है? नहीं है. लेकिन upper bound में तो है ना? Yes, sir. तो अगर n लेवल का कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी होगी, टू द पावर n माइनस वन। यस सर। अब माइनस वन तो क्या है, कांस्टेंट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इनटू फंक्शन कॉल कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक एडिशन यानी कांस्टेंट टाइम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू पावर n इनटू कांस्टेंट यानी ऑर्डर ऑफ टू पावर n। यस सर। नाउ अगर मैं एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस की बात करूं तो वही f ऑफ 7 का मर्डर करना था, बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा आया एंड सो ऑन। देखो ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सेकंड पेज पे। Yes, sir. देखो नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, recursive program space complexity equals number of levels. ये कौन सी space complexity मैंने लिखी है, extra stack space की। Yes, sir. तो अगर overall space complexity बोलूं तो क्या होगी, input plus extra, extra क्या होगा इधर पे, extra stack space which is number of levels which is n. अरे 7 के लिए 7, n के लिए n, तो कह सकता हूँ। और input क्या है, तो ना कि 5, 6, 7 integer 2 byte, तो constant two plus byte. n nothing but order of n. Yes, sir. Now, अब देखिए ध्यान से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर नेक्स्ट पेज पे जो मैंने आपको नेक्स्ट फोटो देखी है उस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है आपकी रिकर्सिव ट्री मेथड से, जो भी आपको पहले करा चुका हूं। Yes, sir. ये n किस में कन्वर्ट हुआ, n माइनस वन में, n माइनस टू में, ऐसे मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बनाया। और एक हर एक फंक्शन कॉल की कॉस्ट कितनी है, कॉन्स्टेंट। Yes, sir. देखो ध्यान से ऑर्डर ऑफ टू पावर n इधर से भी आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखिए मैंने फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर लोअर बाउंड वी विल टेक n by 2 लेवल। लोअर बाउंड का मतलब क्या है, बेस्ट केस। बेस्ट केस में नंबर ऑफ लेवल n by 2 होंगी कि नहीं होंगी, नो डाउट नंबर ऑफ लेवल हमेशा n होंगी। कोई कह रहा है कि सर नंबर ऑफ लेवल तो हमेशा ही n होंगी, तो कह सकता हूँ जो n है वो लेस देन इक्वल टू n है, मतलब वर्स्ट केस में n है। अब जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 है, तो कह सकता हूँ बेस्ट केस में n by 2 है। Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ध्यान से देखिए कि हमें रियलिटी में फिबोनाची कंप्यूट कैसे होता था, f ऑफ 7 का मर्डर करना था, वो किसको कॉल करता था, बड़े बेटे को f ऑफ 6। लेकिन क्या वो बैचलर था, नहीं, उसने किसको कॉल किया, f ऑफ 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर f ऑफ 1 बैचलर मर्डर, फिर f ऑफ 2 f ऑफ 0 को कॉल करता था। हेलो। यस सर। ध्यान से देखिए, कह सकता हूं 7 प्लस 1 यानी कि टोटल 8 फंक्शन कॉल केवल रिक्वायर्ड थी, बाकी ट्री में जितनी भी फंक्शन कॉल है ध्यान से देखो सारी सारी रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है। जी सर, कर रही है। यस सर। अभी तक जो भी मैंने लिखवाया उसमें कोई डाउट, ये जो भी बताया मैंने कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये तो एज इट इज वही है जो आपको लिखवाया है, बता तो मैंने पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से दिया था, लिखवा दिया था इतना। हां सर। यस। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो देखो ध्यान से, आपको जो लिखवाना है वो भी फोटो ही भेज देता हूँ, क्योंकि बता तो पहले ही चुका हूँ और फिर से एक बार बता दूंगा। जी सर। चलो साइमल्टेनियसली आपके सामने रीड करता हूँ, जल्दी से रिमाइंड करना, यही सारे पॉइंट पहले आपको बताए थे। देखो ध्यान से, फोटो चली गई। यस सर। Eight function calls are only required, but we have computed 2 to the power 7 minus 1 bracket में complete binary tree, that is 127 function calls. हमने almost 127 function call compute कर डाली कि नहीं कर डाली? Yes sir. जबकि requirement केवल 8 की थी? Yes sir. In the above recursive tree, many function calls are repeating. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Overlapping sub problems. जी सर। Now. What is the need of solving the same problem again and again? Dynamic programming इसी logic पे work करती है।
तो इन द डीपी वी विल सॉल्व ओनली डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स बिकॉज इन द डीपी एज सून एज वी कंप्यूट एनी फंक्शन वी विल स्टोर इन सम टेबल सो दैट नेक्स्ट पर्सन कैन यूटिलाइज इट विदाउट कंप्यूटिंग अगेन. और ये नेक्स्ट पर्सन ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेक्स्ट फंक्शन कॉल है. नाउ देखिए ना, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल डीपी, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में और डीपी में हम दोनों ही में स्टोर करते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है. डीपी में हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लोबल एरे, जहां पे डेटा कंप्लीटली कंप्लीट जब होता है तभी जाके डिलीट होता है, जबकि नॉर्मल में लोकल वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, जहां पे डेटा डिलीट हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट सब प्रॉब्लम ओनली. देखिए ना, बोथ इन डीपी एंड नॉर्मली वी स्टोर, बट इन डीपी वी स्टोर इन ग्लोबल एरे इन विच डेटा इज डिलीटेड इफ फंक्शन इज कंप्लीटेड कंप्लीटली. While in simple programming, data is deleted by completion of current function only (bracket mein sub program) since it stores in local variables. Clear hai? अरे बोलो. Yes sir. Yes sir. तो table का size हम क्या लेते हैं? जितनी distinct function call होती हैं, क्यों वही तो हम store करेंगे? उन्हीं की तो बाद में requirement पड़ेगी. Yes sir. तो फिबोनाची ऑफ 7 के लिए हम 8 का 8 साइज लेंगे, फिबोनाची ऑफ n के लिए n + 1 का साइज लेंगे. यस सर. देखिए दांते, इनिशियली टेबल में सारे के सारे नल होंगे, फिर आप कंप्यूट करोगे जैसे आपको बताया था f ऑफ 7 वैसे ही करोगे. इनिशियली तो आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी. यस सर. तो देखो दांते, ये समझ में आ रहा है जो पूरी फोटो पे है? Yes, sir. अब ये initially all are null, but for computing f of 7, all are computed. So dynamic programming is slow at start. Hello. Yes, sir. तो मैंने आपसे क्या बोला था? Dynamic programming is slow at start and afterwards. रजनीकांत, एक बार table completely complete हो गया तो dynamic programming रजनीकांत बन जाएगी. हर एक function call constant time. Yes sir. Clear है? Yes sir. अब लिखिए next. कोई doubt? Revise करने के लिए time दूँ क्या इसको? No sir, नहीं चाहिए. चलिए लिखिए. In the DP, we will solve only distinct function calls. In the DP, we will solve only distinct function calls. Now question likhiye. How many distinct function calls are there in Fibonacci n? In Fibonacci n? तो बताइए फिबोनाची ऑफ n में कितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल? n plus 1. लिखिए n plus 1 डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स. आंसर लिखिए n plus 1 डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स. अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखिए ध्यान से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स इनटू फंक्शन कॉल कॉस्ट. तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितनी हमारी? n plus 1. कॉस्ट कितनी हमारी? कॉन्स्टेंट. क्यों? कॉस्ट तो अभी भी 1 एडिशन है. Yes sir. तो और 1 तो क्या है? कॉन्स्टेंट यानी ऑर्डर ऑफ n. कोई डाउट? नो सर. तो अब ध्यान से देखिए, ये एडवांटेज है डीपी का और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जिस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल जा रही थी 2 power n. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? वेरी ह्यूज टाइम, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इनफिनिट. वो यूजिंग डीपी पॉलीनोमियल तो छोड़ो, इवन लीनियर में कन्वर्ट हो गई. क्लियर है? अगर मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या होगी? इनपुट प्लस एक्स्ट्रा. इनपुट कितना? 2 byte. एक्स्ट्रा स्टैक प्लस टेबल. स्टैक नंबर ऑफ लेवल्स. ऑर्डर ऑफ एन. टेबल की बात करूं तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स. यस सर. n plus 1, तो n plus n, n plus 1 plus n plus constant, which is order of n. n. लिखो जल्दी से.
अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि टेबल, टेबल जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, ये सब भी बता ही चुका हूं। बोलो एरे। एरे क्यों होगा? रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस पॉसिबल, रैंडम एक्सेस। हाँ लिखिए, सिंस बिकॉज ऑफ एरे, ये सब लिख लिया है। दो मिनट, एक मिनट लिख लो। बोलिए। सिंस बिकॉज ऑफ एरे वी कैन सर्च अवर रिक्वायर्ड एलिमेंट, सिंस बिकॉज ऑफ एरे वी कैन सर्च अवर रिक्वायर्ड एलिमेंट, सिंस बिकॉज ऑफ एरे वी कैन सर्च अवर रिक्वायर्ड एलिमेंट इन कॉन्स्टेंट टाइम, ब्रैकेट में बिकॉज इन एरे रेंडम एसेस इज पॉसिबल, बिकॉज इन एरे रेंडम एसेस इज पॉसिबल, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सो टेबल मस्ट बी एरे, सो टेबल मस्ट बी एरे, सो टेबल मस्ट बी एरे। नेक्स्ट, इफ टेबल इज नॉट एरे इट इज लिंक्ड लिस्ट, इफ टेबल इज नॉट एरे इट इज लिंक्ड लिस्ट or stack, then for required element searching, it will take order of n time. अरे stack या linked list होगी तो searching time increase कर जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी ना random access possible है। Hello? Yes sir. Yes sir. Order of n time. Next लिखिए, तो number of distinct function calls कह सकता हूँ, table size क्या होगा number of distinct function calls? Hello? Yes sir. लिखिए, number of distinct function calls equals table size. Number of distinct function calls equals table size. Equals table size. लास्ट पॉइंट लिखिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ग्रेट आइडिया इफ फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ग्रेट आइडिया इफ फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग, इफ फंक्शन कॉल्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ग्रेट आइडिया इफ फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग, but worst idea if all are distinct function calls, but worst idea if all are distinct function calls, if all are distinct function calls. Clear? Yes sir. चलो देखो, ध्यान से, पहली बार डायनेमिक कर रहे हो तो एक इसकी एल्गोरिथम भी देख लो ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग फिबोनाची सीरीज। अरे क्लियर है ना सबको? अरे मतलब उन लोगों को जिन्होंने उस टाइम क्लास लगाई थी, मैंने ऐसे ही नहीं बताया था उस समय एकदम डिटेल में, ये क्लियर है? यस सर। हेडिंग डालिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हेडिंग डालिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग फिबोनाची सीरीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग फिबोनाची सीरीज। नाउ देखिए, फास्ट वेव, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, फास्ट वेव। सबसे पहले टर्मिनेशन कंडीशन, इफ एन इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, एल्स इफ एन इक्वल टू वन रिटर्न वन,
एल्स. अब ये कौन सा एल्स है? फाइनल एल्स. ये तो क्या थे? टर्मिनेशन कंडीशन वाले. क्लियर है? अरे बोलिए एल्स सर, ध्यान से सुनिएगा. उधर पे क्या होता था? हम कंप्यूट करते थे. इधर पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले हम कहाँ देखेंगे? टेबल में देखेंगे. अगर टेबल में एम्प्टी है तो हम कंप्यूट करेंगे, और कंप्यूट करके पहले हम टेबल में स्टोर करेंगे, बाद में रिटर्न करेंगे. क्लियर है ना? हेलो. तो हमने देखा इफ टेबल एन माइनस वन, क्या टेबल एन माइनस वन नल है? अगर नल है तो क्या, अगर नल है, देखो एल्स का मतलब क्या है? टेबल एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू करना है हमें. अब टेबल एन माइनस वन हमने देखा नल है कि नहीं. अगर नल है तो टेबल एन माइनस वन में क्या रख दो? फास्ट फिब एन माइनस वन रिकर्सिवली सी को कॉल करके कंप्यूट करके स्टोर कर दो. ठीक है. फिर इफ टेबल एन माइनस टू इक्वल्स नल, अगर टेबल एन माइनस टू हमारा नल है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं. अगर नल है तो क्या करो? टेबल एन माइनस टू में फास्ट फिब. बोलो अभी तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर. नाउ कंप्यूट कर दिया, फिर क्या करो? अब इधर पे आप आ चुके हो, इसका मतलब क्या है? दोनों ही हमारे या तो नल नहीं होंगे. अगर नल रहे होंगे तो आपने कंप्यूट कर दिए होंगे. ठीक है. अब ध्यान से देखो, हाँ, अब टेबल एन में दोनों की वैल्यू पहले स्टोर करो, बाद में ही रिटर्न करोगे. मतलब टेबल एन को क्या करो? टेबल एन माइनस वन प्लस टेबल. क्लियर? फिर क्या रिटर्न कर दो? सर अब बोलो क्लियर और नॉट? सर क्लियर. देखो जल्दी से. हो गया? यस सर. चलिए कोई भी डाउट है जल्दी से पूछो. कोई भी डाउट है जल्दी से पूछो. वैसे ही बता दे रहा हूं, अगर सिंसियरली क्लास रिवाइज की होगी तो फिबोनाची सीरीज में एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो मैंने पहले नहीं बोली थी और आज बोली हो. कितने लोगों को याद आ गया था? अरे याद आया था कि नहीं? पहले हाथ रेस कर दो जरा. कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने एल्गोरिथम की अभी तक, यमराज सिंह फ्रॉम द टॉप, अभी तक एक भी क्लास स्किप नहीं की है? एक सिंगल क्लास स्किप नहीं की है? हैंड्स डाउन मत करना, बस हाथ रेस किए रहना, क्योंकि कुछ चीजें और करवा रहा हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. अब ये लोग तो हाथ अपने रेस किए ही रहना, और वो लोग और हाथ रेस कर दो जिन्होंने मैक्सिमम दो क्लास स्किप किए हैं. मतलब जीरो क्लास वाले भी हाथ रेस किए रहना, वन वाले भी और टू वाले भी. कर दी सबने? ओके. और यहाँ पे है कितने? यानी 7 लोगों की ज्यादा क्लास स्किप है, 36 टोटल है, हो गए 29, और रिश्ता की केवल आज ही क्लास स्किप है, यानी 30. केवल 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारी सारी ऑलमोस्ट सारी सारी क्लास लगाई है.
चलो तब भी वेरी नाइस, जब मैंने स्टार्टिंग की थी अराउंड 40 का बेस्ट था, वेरी नाइस। नाउ चलिए हेडिंग डाल लिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, अब हेडिंग डाल के छोड़ दिए उसको। आपके अब दो एप्लीकेशन बचे हैं LCS, दो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बचे हैं जो मुझे कराने हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एंड MCM, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो कराने को तो मैं ये करा दूं, लेकिन LCS आज हो पाएगा, MCM नहीं हो पाएगा। MCM बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड तो है ही है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। रीजन बीइंग बहुत MCM के ऑलरेडी दो क्वेश्चन गेट में पूछे जा चुके हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों फालतू क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि MCM इतना अच्छा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी पूछी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं कभी भी। अभी तक नहीं पूछी गई है, नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं पूछी गई है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में कभी भी पूछी जाएंगी। हो सकता है इस ईयर, हो सकता है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर, लेकिन आज नहीं तो कल वो पूछी जरूर जाएंगी। हेलो, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। हेलो, टाइम आएगा सर ये क्या इसका क्वेश्चन, फिर एक बार फिर से बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन सुनाई दिया बस मुझे, उसके पहले क्या बोला था सर? LCS का क्वेश्चन इसी बार आएगा, इसी बार आएगा। आर यू रजनीकांत? अरे सुनो ध्यान से, ये सब गंदे गंदे माइंड में थॉट लेके मत आया करो, क्योंकि अगर ऐसे थॉट लेके आओगे ना तो ऑब्वियसली फोकस केवल LCS पे करोगे, बाकी पे नहीं कर पाओगे। तैयारी हमेशा वर्स्ट केस के हिसाब से करनी चाहिए, कुछ भी आए सिर्फ ये फोकस किया करो कि जो मैंने नहीं किया है वही गेट में आएगा। अगर ये स्टेटमेंट सोचोगे ना तो पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करोगे। क्लियर है? हेलो, यस सर। चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 1 बजे, ठीक है ना? ओके सर। इस टाइमिंग में किसी को कोई इशू है? 1 बजे मिलते हैं, और मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक क्लास होगी, नहीं तो वो नॉर्मली 3:30 पे ओवर हो जानी चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर 2 बजे से कर लीजिए कल। 2 बजे से मुझे कोई इशू नहीं है, 2 बजे से कर लें कल। यस सर। चलो कल 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, 2 बजे से अराउंड 4:30 या 5 तक, वर्स्ट केस 5 नहीं तो 4:30 तक आपका एल्गोरिथम कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। और एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि कल कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे पास्ट की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी आपकी एल्गोरिथम की, तो एडवाइस कर रहा हूँ कि चीजें रिवाइज कर लेना, एल्गोरिथम रिवाइज कर लेना। यस सर। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir.